आराम से। वन मोर। तुम कहाँ ले जा रहे हो? आगे मत रखना। ओके ओके। बैठो 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 बैठो। बताओ ना। बैठो तो। राइट में हो? खोलो आंखें। खाओ। अब खोलो। बताओ तो। अब खोलो आंखें। वाओ। बताओ हम कहाँ पर हैं? बोर्डिंग हॉल के पास। और? और हम यहाँ हमारी पहली गेट पर आए थे। सी? आई रिमेंबर। And I remember कि तुम्हें जगह कितनी पसंद है, इसीलिए मैंने सोचा to get a place here. What? Together. Oh. यहाँ विलेज के पास एक कॉटेज है, मैंने अभी देखा है वहाँ पर. Now let's see क्या होता है. I'm super excited. है ना? हाँ. और हम ना कॉटेज के पीछे एक रिंग लगाएंगे, जहाँ कुछ सालों बाद हमारी सारी गर्मियों की छुट्टियाँ हमारे छोटे छोटे चैंपियंस को बॉक्सिंग सिखाने जाया हो जाएगी. जाया क्यों होगी ऑनर, ऐसे क्यों बोल रहे हो? अच्छा सॉरी, तुम बोलो. अच्छा छोड़, तुम्हें पता है मैंने हमारी शादी की सारी प्लानिंग कर ली. कितने गेस्ट आएंगे, कौन कौन आएगा, शॉपिंग पर हम साउथ इंडियन जाएंगे और फिर क्या? नहीं मैं देख रहा था कितना परफेक्टली सब कुछ प्लान करके रखा है तुमने. एंड आई रियली लाइक दिस अबाउट यू. तुम जो हो, जैसी हो, वैसी ही रहती हो, उसमें खुश भी रहती हो. खुश रहना तो मैंने तुमसे सीखा है. तुम भी तो वही कर रहे हो ना जो तुम चाहते हो. क्या पता लैला मैं क्या चाहता हूँ. अच्छा लैला मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें सच में पसंद है मेरी बॉक्सिंग? कोर्स रोनल, यू आर वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड बॉक्सर्स इन न्यूकासल. किसको पसंद नहीं आएगा? सी आई नो, बट इन द एंड लोग मुझे सिर्फ इसलिए याद रखने वाले हैं कि मैंने किस तरह लोगों को मारा है. ऐसा नहीं है रोनल, तुम यू नो पीपल आर डाइंग फॉर योर डेजिग्नेशन. वो तुम्हें आइडलाइज करने लगे हैं. बट आई डोंट वांट देम टू आइडलाइज मी. मैं नहीं चाहता लोग उस चीज को फॉलो करें जिसमें इंसानियत का एक कतरा भी नहीं है. अरे यार, दो लोग एक दूसरे को मार रहे हैं और रियलाइज कर रहे हैं. बहुत ओवरथिंक कर रहे हो. आफ्टर ऑल इट्स जस्ट अ गेम बाबा. इट्स नॉट जस्ट अ गेम लैला, तुम खुद सोचो. हम रिंग में दो लोगों को खड़ा कर देते हैं एक दूसरे को मारने के लिए. हाँ कुछ कायदे बना दिए हैं, कुछ नियम जोड़ दिए हैं, जजेस बिठा दिए हैं, लेकिन इन द एंड वो है तो हिंसा ही ना. इट्स नॉट अ गेम, इट्स एब्सर्डिटी, वैश्याना है ये सब. पता है रिंग में लड़ते वक्त अगर मैं किसी का सर फोड़ दूँ, इनफैक्ट अगर मैं किसी की जान भी ले लूँ, तो शायद ये लोग मुझे माफ कर दे, तालियां बजाएं, हूट करें मेरे लिए. और अगर यही चीज मैं सड़क पर चलते किसी के साथ करूं तो क्या वो सही होगा? और अगर वो सही नहीं होगा तो फिर ये सही कैसे हुआ? रोनल, रास्ते चलते किसी को मारने में और रिंग में मारने में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. जमीन आसमान का फर्क है लैला. सिर्फ पैमाना अलग है, लेकिन इससे जो हमने किया है वो नहीं बदल जाता, या उसका जो उसकी जो तासीर है वो नहीं बदल जाती. अरे युद्ध में हजारों लोग एक दूसरे का खून कर देते हैं ब्रेवरी के नाम पर. सड़क चलते लोग एक दूसरे को मार रहे हैं तो हम उसे उनकी मजबूरी या लालच का नाम दे रहे हैं. और रिंग में हमने बस इसका नाम स्पोर्ट्स दे दिया है. बस स्तर अलग है, पर वो है तो हिंसा ही ना रोनल. लेकिन फिर अगर ऐसा ही था तो बॉक्सिंग क्यों चूज किया? लैला मैं हमेशा से ऐसा नहीं सोचता था. मेरे लिए सब्जेक्ट था बाकी सब्जेक्ट की तरह स्पोर्ट्स, और इसमें अच्छा था मैं बस. ओ रोनल, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा सोचते हो. बट फिर अगर बॉक्सिंग नहीं तो फिर क्या? लैला मे बी म्यूजिक. देखो म्यूजिक रियली मेक्स मी फील अलाइव. तुम्हें पता है सालों पहले मैंने ग्रैनिलो को माउथ ऑर्गन बजाते हुए सुना था. एंड आई रियली स्टार्टेड एडमायरिंग हिम. इन फैक्ट आज शाम की पार्टी में एक छोटा सरप्राइज भी है तुम लोग. सच में? क्या? ए भाई कुछ सरप्राइज बताओ ना, मैं थोड़ा प्रिपेयर हो जाऊंगी. एक्चुअली आज शाम को मैं और ग्रैनिलो साथ में एक डुएट परफॉर्म करने वाले हैं. सच में? ये तो पहली बार होगा कि हम एक म्यूजिकल रॉनर को देखने वाले हैं ना? And I hope not for the last time. But लैला डैड भी होंगे तो थोड़ा नर्वस हो. कोई बात नहीं रॉनर, मैं हूं ना तुम्हारे साथ. I'll support you. और फिर हम डैड को कन्विंस कर ही लेंगे साथ मिलके. नहीं लैला अभी बात कन्विंसिंग की है, पहले मैं खुद भी तो देख लूं. और अच्छा किया तुमने याद दिला दिया मुझे, कलीजियम निकलना है, कॉन्सर्ट है आज. जाना जरूरी है क्या? जी हाँ जरूरी है, मेरे पास टिकट है. प्लीज रुक जाओ. नहीं नहीं देखो मैं तुमसे पार्टी में मिलूंगा ना. ठीक है ठीक है. हाँ, I'll wait for you. ठीक है. और लेट मत होना. मैं कभी लेट नहीं होता, तुम ध्यान रखना अपना. जल्दी आना, I'll wait for you. Okay, bye. Thank you.
कुछ दे रहे सिरन प्लीज। ठीक है धीरे ना अनंत। ठीक हो ग्रेनो? ग्रेनिलो तुम ठीक हो? ग्रेनो एक सिगरेट देना। सिगरेट हियर कम। अब वक्त हो चला है, संभालो अपने आप। मिस विल्सन अगले 15 मिनट में यहां। ठीक हो? गुड। छुपा दो वहां पीछे वाले ड्रॉवर में। ग्रेनो देखो इसे, दिस इज अ म्यूजियम पीस ना। अब ये बेशकीमती हो गया है, हमें इसे सजा कर रखना चाहिए क्योंकि मिस्टर डोनाल्ड कैंटली ने अपनी आखिरी शराब इसी में पी थी। तुम्हें पता है ना ब्रेंडन हमने क्या किया है? क्या किया? मुझे अच्छी तरह से पता है मैंने क्या किया है। आई हैव कमिटेड मर्डर। खून किया है मैंने, पैशनलेस, मोटिवलेस, फॉल्टलेस एंड क्ल्यूलेस मर्डर। हाँ ब्रेंडन, एक बेदाग खून। मैंने खतरे की खातिर, मारने की खातिर ये खून किया है और मैं जिंदा हूं। हम जिंदा है ग्रेनो, ट्रूली एंड वंडरफुली अलाइव। क्या मैं लाइट ऑन कर सकता हूँ? नहीं नहीं कर सकते ब्रेंडन। क्या है? तुम्हें याद है जब रोनाल्ड अंदर आया? क्या मतलब जब रोनाल्ड अंदर आया? जब रोनाल्ड अंदर आया मेरा मतलब है कि जब रोनाल्ड कार से उतर कर अंदर आया तब तुम दरवाजे पर खड़े। हाँ तो तब तुमने किसी को देखा क्या सड़क पर तकरीबन 50-60 मीटर की दूरी पर? नहीं तो वहाँ कोई तो था, एक आदमी था, मैंने उसे देखा तो मुझे अच्छी तरह से याद है। हाँ तो उसका क्या ग्रेनो? अब क्या है? जब मैं रोनाल्ड से मिला, मेरा मतलब है कि जब मैं रोनाल्ड से कोलेजियम के बाहर मिला और उसे अपनी कार के अंदर बैठाया तब हमें किसी ने देखा होगा। क्या मतलब ग्रेनो किसी ने देखा होगा? किसी ने तो देखा होगा ब्रेंडन, कोई तो होगा, हमने उस बारे में सोचा ही नहीं। मैंने सोचा था। वो यहीं है अभी भी इसी कमरे में। ब्रेंडन उसकी मौत हो चुकी है लेकिन वो अभी तक यहीं है। अगले 8 घंटों में इसकी लाश बड़े सलीके और इत्मीनान से नॉर्थ सी की गहराइयों में आराम फरमा रही है। हाँ लेकिन तब तक तो वो यहीं है ना। तो तुम क्या कहना चाहते हो ग्रेनो? किसकी रूह इस संदूक से जाहिर होकर सर जॉनस्टन कैंटली को यह सारी बातें बता देगी? कहेगी कि सर आपके 25 साल के बेटे और इकलौते वारिस की लाश इस संदूक में बेजान पड़ी है। माय डियर ग्रेनो, देखो अगर तुम्हें किसी भी तरह से महफूज नहीं महसूस हो रहा तो मैं तुम्हें पूरे वाक्य को सिलसिलेवार तरीके से बता सकता हूँ। अकॉर्डिंग टू अवर कैलकुलेशन मिस्टर रोनाल्ड कैंटली। सुना तुमने? व्हाट हैपेंड? ध्यान से सुनो, कोई है? कौन है? ग्रेनो
कोई नहीं, मुझे लगा मिस विल्सन। पहली बात तो मिस विल्सन नौ के पहले यहाँ आएगी नहीं, वो वक्त कितनी भी पाबंद नहीं है। और दूसरी बात ये कि उनके पास इस घर की चाबी। एक मिनट, मैंने तुम्हें मिस विल्सन से इस घर की चाबी लेने को कहा था, तुमने नहीं लेना। तुम किसी काम के नहीं हो ग्रैना। मैंने ले ली थी। गुड, मैंने उनसे कह दिया कि मेरी चाबी गुम हो गई। हाँ, तो जब चाबी हमारे पास है तो जाहिर सी बात है कि मिस विल्सन को आने से पहले डोर पे बजाना ही पड़ेगा। देखो, मैं तुम्हें पूरे वाकियात की कड़ियों से रूबरू कराता हूँ। अकॉर्डिंग टू अवर कैलकुलेशन, मिस्टर रोनाल्ड कैंटी हमारा बेचो दोपहर 3 बजे अपने पिता के घर से कॉलेजियम के लिए निकलता है। म्यूजिक कंसर्ट खत्म होने के बाद वो तुमसे मिलता है और तुम्हारे साथ यहाँ आता है, शराब का लुत्फ उठाता है। ठीक 8:20 पर एक रस्सी से उसका गला घोटकर उसे मार दिया जाता है। 9 बजे इनके फादर सर जॉनस्टन कैंटली और इनकी मदर एलिस कैंटली और हमारे दो चुनिंदा बैचमेट्स यहाँ आएंगे, हमारी इस शानदार दावत का लुत्फ उठाएंगे, थोड़ी गपशप करेंगे और फिर 11 बजे। ब्रेंडन, हम ये दावत देकर किसी नई मुसीबत को तो नहीं मोल ले रहे? ग्रेनो, देखो ये बात हम पहले भी तय कर चुके हैं कि आज की शाम की खूबसूरती और जायका तो इसी दावत में छिपा हुआ है ना? मैं कह रहा था कि 11 बजे हम अपनी कार से ऑक्सफोर्ड के लिए निकल जाएंगे। अकेले नहीं जाएंगे, अपने इस बैचमेट को भी साथ ले जाएंगे। He will never be heard of again. रोनाल्ड का मर्डर नहीं हुआ, वो बस मिसिंग होगा। यह पूरी कहानी, द परफेक्शन ऑफ क्रिमिनलिटी एंड द कंप्लीट स्टोरी ऑफ द परफेक्ट क्राइम। आई एम क्वाइट क्लियर, एम आई नॉट? यस यू आर ब्रेंडन। अब इस दावत को ही देखो ब्रेंडन, ये दावत हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी हो सकती थी, लेकिन तुम देखना ये सबसे बड़ी कामयाबी होगी हमारी। तुम देखना ग्रेनो, इसमें एक से एक लजीज मसाले होंगे। सबसे पहला और सबसे खास, संदूक में रखी लाश के पिता सर जॉनस्टन कैंटली, उनका इस लाश का पिता होना ही आज की शाम को और भी खौफनाक बनाएगा। और फिर एलिस कैंटली। हेलो, हाँ, मैं रोज स्ट्रीट से बोल रहा हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो, ब्रेंडन प्लीज बात करो सर, प्लीज बात करो सर। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो, आप मैं नहीं हूँ। अच्छा, पूरा न्यू कैसल को बता दोगे कि तुम डरे हुए हो? ना गो देयर एंड सिट डाउन। ब्रेंडन, तुम कुछ बता रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था कि फिर हमारी दावत में होंगे मिस्टर कैलेथ रेगलर, उलाला आडम, एक ही तरह के दो अलग अलग इंसान, अंधे और जाहिल दर्शक हमारे इस खौफनाक खेल के। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोफेसर रूपर्ट कडेल। ग्रेनो, रूपर्ट ही इकलौता वो शख्स है जो इसे हमारे नजरिए से देख सकता है, एक आर्टिस्ट के नजरिए से। हम चाहते तो उसे अपने साथ शामिल कर सकते थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता क्योंकि वो सिर्फ बातें करता है, बड़ी बातें, बड़ी बड़ी फिलॉसफी की बातें, लेकिन सिर्फ बातें, कविताओं में रहने वाला। ग्रेनो, तुम क्या कर रहे हो? ये संदूक बंद, क्योंकि वो बहुत पुराना हो चुका है, किसी काम का नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें ताला क्यों नहीं है? अरे अच्छा है ना, थोड़ा और रोमांस। Have you lost your mind, friend? ताला खा सकता। Then I. तुम्हें लगता है कि इसमें कोई और होता तो अच्छा है?
तुम्हारे लिए? हाँ? मुझे नहीं पता कौन इससे अच्छा कौन इससे बुरा, तुम हो सकते थे। मुझे तुमसे डर लगता है स्कूल के पहले दिन से। पार्ट ऑफ योर चार्म। मे हैव अ ड्रिंक नाउ? ऑफ कोर्स, यही तो मौका है पीने का। लेट्स हैव अ शैंपेन। शैंपेन? हाँ, वहाँ आइस बॉक्स में रखी। तुमने ये कब रखी? रोनाल्ड के अंदर आने के तुरंत पहले। पूरा यकीन था कि सब कुछ इतना सटीक इतना परफेक्ट होगा? बिल्कुल ग्रेनर, मैं तब तक किसी चीज को पूरा नहीं मानता जब तक कि वो पूरे सटीक तरीके से ना हो। यू नो आई एम अ परफेक्शनिस्ट मायसेल्फ। मैंने हमेशा से खुद को एक कलाकार के रूप में देखना चाहा, बट मर्डर कैन बी एन आर्ट टू। द पावर टू किल कैन बी जस्ट एज सेटिस्फाइंग एज द पावर टू क्रिएट। अब तो तुम्हें डरने लग रहे हो। डरने की हमारे पास गुंजाइश ही नहीं है ग्रेनो। एक यही चीज तो है जो हमें आम इंसानों से अलग बनाती है, क्योंकि लोग सिर्फ परफेक्ट क्राइम करने की बातें करते हैं, करता कोई नहीं। कोई भी ग्रेनो सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए खून नहीं करता, सिवाय हमारे। अब तो डरने लग रहे हो? मुझसे भी नहीं। चीयर्स टू रोनाल्ड। अच्छा ग्रेनो, तुमने साइकोलॉजी ही क्यों चुना? साइकोलॉजी? मुझे हमेशा से ही इंसानों के मन की बातें, उनके मन की भावना और उनके दिमाग के अंदर हो रही उपज को जानने और समझने में दिलचस्पी रही। और तुमने? सच कहो तो मैंने भी इसी वजह से चुना। दिलचस्पी थी इन चीजों में, लेकिन प्रोफेसर रूबर्ट कडेल से मिलने के बाद मैंने समझा कि साइकोलॉजी दिमाग और चेहरे पढ़ने से कहीं ज्यादा है। इट्स बियॉन्ड द इमेजिनेशन ऑफ एन ऑर्डिनरी ह्यूमन माइंड। बीते वक्त की पिछली घड़ी की सोच और इस घड़ी की सोच के बीच की जो जद्दोजहद, जो कॉन्फ्लिक्ट है, क्या वो तुम्हें रोमांचक नहीं लगती? तुम्हें उस वक्त कैसा महसूस हुआ? किस वक्त? जब हमसे ठीक से थे याद नहीं, लेकिन हाँ मेरी सांसें तेज हो गई थी ग्रेनो, मेरे शरीर में खून की रफ्तार दोगुनी हो गई थी, एक अलग सी लहर पूरे शरीर में दौड़ी। लेकिन जब उसकी रूह उसके शरीर को छोड़ रही थी, वो पल मेरे लिए सबसे सुकून देने वाला था। तुम्हें कैसा लगा? मैं तो सर्द पड़ गया था, मेरी सांसें थम सी गई थी, उसको पकड़े हुए मेरे पैर कांप रहे थे। मैं उसकी आंखों में नहीं देख पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे हजारों सुइयां एक साथ मेरे शरीर में चुभो दी गई हूं। ग्रेनो, ग्रेनो, वक्त क्या हुआ? 9:05। हाँ, मिस विल्सन आती ही होगी। हाँ मुझे पता। तो क्या आप मैं लाइट ऑन कर सकता हूँ? जरूरी है क्या ब्रेंडन? हम ऐसे बातचीत नहीं कर सकते। नहीं ग्रेनो, अब मुझे डर लग रहा है। ठीक है ब्रेंडन, कर लो, मैं ठीक हूँ। थैंक यू। ग्रेनो, हाँ आओ। क्यों? You will see it's brilliant. Out. Uthao. Uthao. Brendan, ये क्या बेवकूफी कर रहा तू? ह
हमारे आर्ट को मास्टरपीस बना रहा हूं। ये ज्यादा हो गया है। क्या ज्यादा हो गया है? मुझे लगता है कि हम सभी को दावत इसके ऊपर करना चाहिए, है ना? अच्छा आइडिया। हाँ ठीक है, ऐसा करने से शायद कोई संदूक को खोलने की नहीं सोचे। लेकिन लेकिन तुम मिसेस विल्सन को कैसे समझाओगे कि हम ये क्यों कर रहे हैं? क्यों समझाना, कोई तो बहाना होना चाहिए। ब्रेंडन, हमारे पास कोई वाजिब जवाब होना चाहिए अगर वो हार तो। ठीक है ठीक है, सोचने दो। ग्रेनो, तुम बहुत जल्दी अपना आपा खो देते हो। जवाब हमारे सामने है। क्या सर, कैंटली यहाँ क्यों आ रहे? किताबों को देखने के लिए। हाँ तो इससे अच्छा बेहतर और क्या होगा कि बूढ़े मिस्टर कैंटली को ये सारी किताबें अपने डाइनिंग टेबल के करीब ही मिल जाए। अब बेचारे बूढ़े कैंटली कहाँ किताबों के पीछे थकते फिर रहेंगे। सबका ध्यान रखना पड़ता है ग्रेनो, सबका ख्याल। ग्रेनो हाँ, ये क्या बेवकूफी? मैंने तुमसे कहा था ना सब कुछ चेक करने के लिए। ये क्या है? क्या? अरे इसकी कॉलेजियम की टिकट यहाँ जमीन पर पड़ी हुई है। तुम जानते हो इसकी वजह से हमें फांसी हो सकती है। सुन रहे हो तुम? फांसी। ब्रेंडन, गलती तुम्हारी थी, तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? बहस मत करो ग्रेनो, ये तुम्हारा काम है। जो मुझसे छूट गया है उसका ध्यान तुम्हें रखना है। एक तो कोई काम ठीक से करते नहीं, ऊपर से बहस कर रहे हो। आज आपके पास मौका है उस रोमांस को दोहराने का। कैसे? सर कडेल भी यहाँ आ रहे हैं।
वो भी आ रही है वहाँ पे? हाँ। वो ना बहुत ही अच्छे इंसान है, मिस्टर कडेल के यहाँ पे काम करने में ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ही सच अ जेंटलमैन, यू नो। लोग कहते हैं कि वो थोड़े से अजीब है, बट मेरी पर्सनली राय ली जाए तो उनसे बेटर। लगता है हमारे मेहमान आ गए, क्या हम तैयार हैं? हाँ, जितना हो सकता था। ग्रैनीलो, हमेशा की तरह माउथ ऑर्गन नहीं बचाते रहते, खाने पे भी ध्यान दोगे? बहुत पतले होते जा रहे हो। ब्रैंडन, हाँ? सारी पेशियां अकेले नहीं खाओगे, मैं सबके लिए लाई। जो होगा अच्छा होगा। मेरी ट्रे कहाँ पे? वो किचन में है, आप उसे लेकर आइए, मैं दरवाजा खोलता हूँ। टेबल पे ये किताबें नहीं रखी होती ना तो मुझे भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ती। Now the fun begins. Brandon. कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, काफी वक्त हो गया तुमसे मिले हुए। अपना हाय कौन था? हाँ, और इसीलिए तुम्हारा फोन आया तो मैं हैरान हुआ। अच्छा लगा तुम आए। कैसे हो ग्रैंडन? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे? अच्छा कहने, तुम्हें पता है हम आज रात को ही ऑक्सफोर्ड निकलेंगे। अच्छा, जा रहे हो तुम लोग? हाँ। मैं फ्राइडे के पहले नहीं आने वाला। ओ, आओ बेटे। बताओ क्या लोगे? जिन और इटालियन, जिन और अंगोस्टुरा, या फिर यू नो जिन और फ्रेंच का मैं स्पेशलिस्ट हूँ। जिन और इटालियन ऑल राइट। आज रात को यही कोई 11 बजे के आसपास हम अपनी कार से ऑक्सफोर्ड के लिए निकले। चांदनी रात होगी, थोड़ा कोहरा, सर्द हवा और क्या सुंदर नजारा रहेगा। और यहां पर बस किताबें रह जाएंगी। किताबें? हाँ, किताबें, वहां बस किताबें ही तो। बस किताबें? किताबें ही है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें किताबों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। हाँ, उतना नहीं, बस पीजी वोट हाउस। अच्छा, तुम्हें पीजी वोट हाउस पसंद है? हाँ, क्यों, तुम्हें भी पसंद है? हाँ, कहने था, आई हैव रेड द अल्टीमेट वोट हाउस कलेक्शन। अच्छा अच्छा, क्यों तुमने नहीं पढ़ी? जीत जीत कलेक्शन तो पढ़ा होगा। ब्लेंडिंग पढ़ूंगा पढ़ूंगा। अच्छा कहना, तुमने मिस्टर गैरी बेकहम का नाम सुना? मेरे अंकल, उनका इंतकाल हो गया। सॉरी। कोई बात नहीं, वो किताबें उन्हीं की है, उन्होंने मुझे बिना बताए दे दी। सर केंटली उन्हीं किताबों को तो देखने आ रहे हैं। सर केंटली? हाँ। रोनल्ड के फादर? हाँ। ये कैसा लग रहा है? बहुत खूबसूरत। सच में? हाँ। हेलो केने, गुड इवनिंग सुषमा। इसका मतलब रोनल्ड भी यहाँ आएगा? बिल्कुल आएगा, और मुझे तो लगता है कि तुम और रोनल्ड एक ही शक्ल के हो, है ना ग्रैनी? हाँ, दोनों एक जैसे ही हैं देखा जाए। यार, बचपन से सुन रहा हूँ तुम्हारी ये बात में। अच्छा, आज मुझे बताओ कि कैसे मैं उस रोनल्ड की तरह लगता हूँ, बताओ। अरे हर तरह से कहना है, एक ही तरह की मुस्कुराहट, एक ही तरह की कदकाठी, एक ही तरह की ताजगी और सादगी। हो गया तुम्हारा? नहीं, मैं तो बॉक्सर भी नहीं हूं उसके जैसा। अरे लेकिन कभी तो थे ना, बॉक्सिंग चैंपियन हुआ करते थे तुम। और सबसे खास बात, तुम जिंदा हो। उससे ज्यादा वैसे और कौन है? ऐसा कोई नहीं जिसे तुम नहीं जानते। कैंटली फैमिली और लायला आर्डर। लायला? हाँ, मुझे लगा तुम्हें लायला का नाम सुनकर खुशी होगी। क्यों नहीं होगी क्या खुशी? अब हम साथ नहीं है ब्रेंडन। ओ, कुछ नहीं है मन, तुम्हें पता नहीं था? माफ करना केनेथ, मुझे सच में नहीं पता था, सीरियसली। तुम्हें भी नहीं पता था ग्रैनी लो? मैंने सिर्फ कुछ अफवाहें सुनी थी, मैं ऐसी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। काश तुमने दिया होता। क्या ध्यान अफवाहों पर? क्यों, तुम्हें नहीं पता लायला और रोनल्ड? मैं? हाँ बिल्कुल केनेथ। अरे चीयर अप केनेथ। और वैसे भी मुझे लगता है कि आज की रात तुम्हारे और लायला के बीच में रोनाल्ड नहीं होगा, और इस वजह से
आज की शाम तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली। क्या मतलब तुम्हारा? वैसे हम इस संदूक के ऊपर खाने वाले हैं, क्या ये कुछ अजीब नहीं हो जाएगा? गणेश यार काफी पतले हो गए हो, मतलब वैसे तो नहीं रहे जैसे स्कूल में हुआ करते थे। काफी वक्त हो गया उस बात को। ज्यादा वक्त तो नहीं हुआ। अरे हो गया है, पता है स्कूल में तुम मुझे एकदम हीरो लगा करते थे। आई यूज्ड टू एडमायर यू ब्रैंडन। हाँ शायद मुझे भी लगता था कि मैं जूनियर से ज्यादा ही पॉपुलर था। हाँ वो मैं था जो अनपॉपुलर था। मैं तुमसे नफरत किया करता था। सुन लो, क्यों क्यों नफरत किया करता था? लगा लो ये लायला के होने वाले फादर इन लॉ सर जॉनस्टन कैंटली होंगे। यार रूपर्ट भी हो सकते हैं।
ये हो सकने वाली बातें कभी होती नहीं है। हाँ ब्रैंडन कैसे हो? आप कैसे हैं? अरे मैं बहुत अच्छा हूँ, पर मिसेस केंटली की तबीयत आज थोड़ी ठीक नहीं थी तो मैं इसलिए अपनी बहन को ले आया हूँ, मिसेस डेवनहैम। हेलो, हेलो, अच्छा लगा आपसे। मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तुम्हें पता मैं न्यूकासल में करीब एक हफ्ते से हूँ। एलिस की भी तबीयत खराब है और ये तो हर वक्त अपनी लाइब्रेरी में किताबें जमाते रहते हैं। अरे अब ऐसी बात नहीं है, कभी कभी कुछ किताबें पढ़ भी लेता हूँ। हाँ पढ़ते होंगे, पर मैं तो यहाँ घूमने आई हूँ ना। और तुम्हें पता ये हफ्ते की बस दूसरी पार्टी है। लाइए अपना सामान लीजिए। मिसेस केंटली का सुनकर बुरा लगा। अरे परेशान होने की बात नहीं है ब्रैंडन, बस तबीयत नासाज है। शी बी एब्सोल्युटली फाइन। इस मौसम में बुखार होना काफी खतरनाक है वैसे। हाँ। उनसे कहना कि वो आराम करे और अनार का जूस जरूर पिए। हाँ जी बिल्कुल, बुखार में अनार काफी अच्छा काम कर जाता है। वैसे ब्रैंडन तुमने आज मुझे यहाँ किताबें देखने के लिए बुलाया, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। अरे नहीं सर, मैं तो बस शो ऑफ कर रहा था किसी ऐसे व्यक्ति के सामने जिसे फर्स्ट एडिशंस का असली मतलब पता है। इतनी सर्दी में बुखार आना सेहत के लिए ठीक नहीं है वैसे। अरे दो साल पहले मेरी भी तबीयत खराब थी, दो हफ्ते तक बिस्तर में पड़ी थी मैं, डॉक्टर भी परेशान था। रोनाल्ड कैसे हो? नहीं वो कैनेट है। लगते तो हो तुम रोनाल्ड की तरह। इन मायनों में उसके जैसा लगता हूँ सर। यही तो मुझे नहीं पता, बस आमतौर पर दोनों जवान हो। कहा ना कैनेट, एक ही तरह की ताजगी और सादगी। शट अप ब्रैंडन। वैसे पढ़ाई चल रही है? सर सर बस कोशिश चल रही है। बस शक्ल ही है दोनों की एक जैसी। वैसे मुझे लगता है कि आप दोनों लायला को तो जानते ही हैं। अरे लायला कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें पता अभी मैं तुम्हारा हॉरोस्कोप भी देख रही थी यहाँ आने से पहले। अरे वाह, और क्या कहते हैं मेरे तारे? तुम्हारे तारे की दशा बहुत ही अच्छी है, वो बताते हैं कि तुम्हारी शादी जल्दी होने वाली है विद अ यंग टॉल हैंडसम मैन और तुम्हें मिलने वाले प्यारे से फादर इन लॉ। अरे ये सब बातें मैंने तुम्हें पिछले हफ्ते नहीं बताई थी? हाँ बताई होंगी, पर जब तारों ने भी कह दिया तब यकीन हुआ। वंडरफुल। वैसे इनसे मिलिए, यह है मिस्टर चार्ल्स ग्रेनो। आहा ग्रेनो, काफी मोटे हो गए हो। ग्रेनो वहाँ है। हेलो मैं ठीक हूँ। कैसे हो ग्रेनो? ये तुम्हारे हाथ में क्या हो गया? कुछ नहीं, बस थोड़ा कट लग गया। कैसे? बस ग्लास टूट कर लग गया और कुछ नहीं। मैं आपके लिए शैंपेन लाऊं मिस्टर? हाँ बिल्कुल, तुम्हें पता हमारे फादर हर सुबह 11 बजे एक ग्लास शैंपेन पिया करते थे, है ना हेनरी? सर आप भी लेंगे? हाँ ब्रैंडन मेरे लिए थोड़ी सी स्कॉच, बहुत सारा पानी। हाँ ग्रेनो सर के लिए स्कॉच। वैसे ब्रैंडन रोनाल्ड नहीं आया अभी तक। सर मैं सोच रहा था कि वो आपके साथ ही आने वाला है। उसने तो मुझे कहा वो मुझे यही मिलेगा। कहाँ से कॉल किया था उसने आपको? वो मीट की बात हुई थी उससे, कोलिजियम में था शायद वो। मिसेस केंटली वो कैसी हैं? बस हमेशा की तरह थोड़ी सी तबीयत नासाज है। तुम देखना एक बार ही रोनाल्ड आ जाए ना उससे मिल ले, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ हाँ एक ही तो बेटा है उनका मिस्टर केंटली। हाँ हाँ तो वो मेरा भी तो बेटा है ना, पर अभी मैं उसे थोड़ी सी दुनिया और देखने देना चाहता हूँ। हम कॉल कर देते हैं ना। अरे तुम उसकी इतनी चिंता मत किया करो। हो सकता है मिसेस केंटली के यहाँ पे रुक गया होगा। ब्रैंडन क्या मैं तुम्हारा फोन लूँ? हाँ हाँ बट ये एक्चुअली ये खराब है, आप आइए ना मेरे बेडरूम में आइए। हाउ कोजी। ग्रेनो आओ ना मैं तुम्हारा हाथ देखती हूँ। अगले पैक के लिए आओ ना। ये अब मैं कॉल करके आती हूँ। बेडरूम में फोन कौन रखता है? मुझे लगता है कि ये तुम्हें लायला तक पहुंचाने में कोई एतराज नहीं। कुछ खास नहीं। लेकिन मैं कुछ खास नहीं, ये उसी का ग्लास है और मुझे लगा कि उसका ग्लास उस तक पहुंचाने में तुम्हें खुशी होगी। वो मेरे बेडरूम में किससे बात करेंगे? ओह तुम चाहते हो कि वहां पर रोनाल्ड आ जाए है ना? ये कहने से अगर ऐसा होगा तो मेरा दिल बैठ जाएगा सच में। प्लीज दिस हैंड विल ब्रिंग यू फॉर्च्यून ग्रेनो। क्या व्हाट हैपेंड? नथिंग। Thank you.
पहले से बेहतर हो जाने लगे हो। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थोड़ा पेट लगा। Be careful next time. Rupert! Brandon! मैं सोच रहा था कि आप अब तक आए क्यों नहीं। You know me better. हाँ, आइए please. Mrs. Debnam, इनसे मिलिए। यह है Mr. Rupert Cutter. आपसे मिलकर खुशी हुई। Same here. Sir Johnston Kentley. कैसे हैं आप? I'm good. How are you, sir? I'm very good. You must be Lila. Hello, sir. Hello. Good evening, sir. Good evening. आप सॉमरविल में हाउस मास्टर थे ना? जी हाँ। तो आपने मेरे बेटे रोनल्ड को पढ़ाया ही होगा। Yes. तो आप ही हैं the great Cutter. The great Cutter. Sir, I don't know whom you are talking about. आप मेरे बारे में कुछ जानते हैं? अरे मैंने आपकी कुछ कविताएं पढ़ी हैं, इनफैक्ट काफी पढ़ी हैं। आपने पढ़ी? Strange. वैसे आप मुझे किसी और के साथ कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना? आप कविताएं लिखते हैं ना? सुना तो अपने बारे में कुछ ऐसा ही है, बट वैसे एक और कडल है, वो भी कविताएं लिखते हैं। अपने कडल में वो डबल डी इस्तेमाल करते हैं। वैसे मुझे नहीं पता था आप कडल को डबल डी के साथ भी स्पेल कर सकते हैं। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है। लेकिन मैं कडल को जानता हूँ और वो अपने कडल में सिर्फ एक ही डी इस्तेमाल करती है। लुईसा कडल पीस वाटर में रहती है, बड़ी ही खतरनाक और खड़ूस बुढ़िया है वो। तो मेरे आंट के बारे में बात कर रहे I'm so sorry, sir. मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया क्या? नहीं, तुमने बस बोल दिया। Red up next sandwich. हाँ, Grano Circle sandwich. हम दावत किस पे करने वाले हैं क्या? हाँ, इसी पर करने वाले हैं। सर रोनाल्ड क्या कर रहा है? अरे वो ब्रिटिश बॉक्सिंग क्लब के लिए खेलने लग गया ना, वहीं बिजी रहता है। अब तुम दोनों की तरह कहाँ ही चैन है उसे भी। ये तो उसे भी अच्छा लगता होगा। हाँ क्यों नहीं, बहुत अच्छा लगता है। अरे पर मुझे लग रहा है आजकल उससे ना फिल्मों का भी कुछ ज्यादा शौक हो गया है। अब दिन में कोलिजियम जाने की ना बहुत ही जल्दी थी उसे। लेकिन फिल्मों का कोलिजियम से क्या लेना देना सर? मतलब मुझे लगता है कि वहाँ म्यूजिक कंसर्ट होते हैं। ठीक से याद नहीं, गया नहीं कभी। तुम कोलिजियम नहीं गए ब्रांड? क्यों, उसे जाना था क्या? नहीं, मुझे लगता है कि सभी जाते तो बस। नहीं, मैं तो नहीं गया। मैं भी नहीं गया। ब्रानो, हाँ तुम कभी कोलिजियम नहीं गए? नहीं, मैं नहीं गया। क्यों? अच्छा ऐसा? हाँ मैं नहीं गया, लेकिन क्यों? मतलब तुम मुझसे 4 फीट की दूरी पे खड़े होकर अपना सीना चौड़ा करके मेरी आंखों में आंखें डालकर ये कह रहा हूँ तुम कभी कॉलेज नहीं? मैं नहीं गया, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं गया हूँ? मुझे नहीं, मेरी बात जैसी फैली नजर। नहीं, अब कॉलेजियम ना जाना कोई गुनाह हो गया क्या? अरे नहीं सर। नहीं नहीं, बता दीजिए अगर ऐसी बात है तो फिर ये गुनाह मैंने भी किया है। ये शख्स जिसने ब्लू वेलवेट ब्लेजर पहना है और जिसके हाथों में माउथ ऑर्गन है और ये मुझसे कह रहा है कभी कॉलेजियम नहीं गया। लेकिन मैं नहीं गया। लेकिन रोनाल्ड कैंटली तो कॉलेजियम गया था ना सर? हाँ। बस रोनाल्ड जल्दी आ जाए। है कहाँ वो? पता नहीं, लेकिन मिस्टर कैंटली भी परेशान हो रहे हैं और कितनी देरी हो चुकी है। और तुम नहीं परेशान हो गए? मैं नहीं, मुझे तो बस भूख लग रही है। ये मैंने आपके लिए बनाया। अब तो ये मुझे पसंद भी नहीं है। पर स्पेशली आपके लिए बनाया था। रियल? जी। मजाक कर रहा है। आप बहुत बुरे हैं मिस्टर कडेल। थैंक यू। ब्रांडन तुम भी कुछ खाओ। हाँ। बाकी चीजें भी 2 मिनट में आ जाएंगी, मैं भी लेके आई। और जो मैं ढूंढ रही थी ना वो मुझे मिल गया। एक्चुअली मुझे सच में नहीं पता कि क्या ढूंढ रही थी, उन्हें क्या मिल गया। है ना बड़ी इनोसेंट? हाँ। सोचता हूँ शादी करूँ इससे। ओहो। वैसे ये है क्या? ये कैसा है सर? मुझे इटली में मिला था। नहीं मतलब हम इस पे दावा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डाइनिंग रूम किताबों से भरा हुआ है सर। अच्छा, मुझे तो लगता है इस दावत के पीछे जरूर कोई राज है। क्या मतलब है आपका, कौन सा राज? हाँ है ना कि सर रूपर्ट अपने पैंट के ऊपर खाना गिरा ले। हो सकता है, अगर खाते वक्त मैं अपने हाथों का इस्तेमाल ना करूँ तो। ऐसा है क्या? नहीं, मुझे तो इससे भी बुरा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि ब्रांडन ने कोई खून कर दिया है और उसकी लाश इसमें पड़े पड़े अकड़ गई होगी। हाँ। है ना? बिल्कुल सही समझा लायला तुमने, लेकिन मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर इसके अंदर नहीं देखने दे सकता। हाँ हाँ, पर
पता है मुझे रिवर्स साइकोलॉजी। अब ऐसा बोलकर तुम मुझे उकसा रहे हो, लेकिन मुझे देखना है किसमें क्या। लेकिन मैंने क्या कहा लैला, मैं तुम्हें इसके अंदर नहीं देखने दे सकता। पर मुझे तुम पर शक है ब्रैंडन। अच्छा चलो मान ही लो कि इन्होंने खून किया है, तो क्या कोई भी खूनी खून करने के बाद अपने दोस्तों को दावत पर बुलाएगा? ये बेवकूफी नहीं होगी सर? या तो बेवकूफी हो सकती है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस। हाँ लेकिन सारे खूनी बेवकूफी होते हैं। नहीं मुझे तो नहीं लगता। अच्छा खून से याद आया, वो नया नाटक देखा तुमने? मैंने देखा ना, क्या नाटक था है ना। ये भी कोई नाटक था ना, कॉस्ट्यूम्स अच्छे थे और वो एक्ट्रेस, वो तो मुझे कतई अच्छी नहीं लगी। हाँ वो एक्ट्रेस तो मुझे भी पसंद नहीं आई, लेकिन उसके बाद वाला नाटक वो अच्छा था है ना। हाँ उसके बाद वाला नाटक वो अच्छा था है ना, है ना, है ना, है ना। नाटक वालों के बीच में फंस गया। तुम लोग इतना सीरियसली क्यों लेते नाटक? हाँ क्यों नहीं, मुझे तो विलियम पावल बहुत पसंद है। अच्छा लगता हो तुम्हें? अच्छा लगता है, बहुत लगता है, मुझे तो लगता है। स्ट्रॉन्ग साइलेंस, और मैं बताऊँ मुझे तो वो जॉन गिलबर्ट से भी ज्यादा पसंद है। तुम्हें जॉन गिलबर्ट पसंद है? जॉन गिलबर्ट कौन? एब्सोल्युटली मार्वेलस। यस सर, ही इज गुड। क्या बातें चल रही हैं यहाँ पर? कुछ नहीं सर, मैं बस लैला को कुछ किताबों के बारे में बता रहा हूँ। किताबें? मुझे बताओ किताबों के बारे में। ब्रैंडन, मुझे जो लैला का शक है ना वो सही लग रहा है। क्या लग रहा है ब्रैंडन? तुम्हें याद है तुम मुझे बचपन में कहानियां सुनाते थे? हाँ शायद। तो तुम्हें ये भी याद होगा तुम्हें संदूक से कितना लगाव? योर चेस्ट कॉम्प्लेक्स। मेरा संदूक से लगाव हो सकता है? हो नहीं सकता है। तुम मुझे जब बचपन में कहानियां सुनाते थे तो कॉमेडी हो या फिर ट्रेजिडी हो, हॉरर हो, तुम्हारी हर कहानी में एक संदूक होता था और उसमें एक लाश। कहानी कुछ भी हो, जैसी भी हो, पर संदूक और लाश का होना तय। अच्छा ऐसा था क्या? मुझे तो याद भी नहीं है, काफी वक्त हो गया ना। तुम्हें क्यों याद होगा? हाँ हाँ मुझे याद आया थोड़ा, लेकिन सर ये इत्तेफाक भी हो सकता है जिसका आज की शाम से कुछ लेना देना नहीं। तुमने वो हिंदी की पोयम पढ़ी रोड्स ऑफ डेस्टिनी, गर्दिश है आफा, जिसमें उसका नायक जीवन के उस तिराहे पे खड़ा है कि वो कोई भी रास्ता ले ले घूम फिर के उसी तिराहे पे लौटता है। अब से डेस्टिनी कहो तो डेस्टिनी, इत्तेफाक कहो तो इत्तेफाक, बट नेवर माइंड। तुम लोग दरअसल उसमें लाश की बात कर रहे थे तो उससे मुझे याद आ गया। अच्छा ब्रैंडन तुम्हारी पसंदीदा कहानी भी तो है, द लीजेंड ऑफ द सॉल्टेड बुक। क्या था उसमें? वैसे बहुत अच्छे से तो नहीं याद है, बट ऐसा है कि एक खूबसूरत सी लड़की होती है 20-24 साल की। हाँ और वो अपने आप को अपने शादी वाले दिन मजाक मजाक में ना ऐसे संदूक में बंद हो जाती है। हाँ। और फिर 50 साल बाद उसी संदूक से उसका कंकाल निकलता है। मैं तो ऐसा मजाक कभी नहीं कर सकती। वेल दोस्तों मुझे लगता है कि खाना ठंडा हो रहा है और शराब गर्म। प्लीज आइए। वो नया एग्जीबिशन देखा क्या? हाँ देखा ना, कितनी सुंदर पेंटिंग थी है ना। तुम्हें अच्छी लगी? मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, ना ही पेंटिंग और ना ही आर्टिस्ट। वो लड़की जरूर स्कॉर्पियन होगी, उसकी पेंटिंग में ही दिख रहा था। हाँ हाँ पेंटिंग्स तो मुझे भी कुछ खास नहीं लगी, लेकिन वो स्कल्पचर वो कितना प्यारा था ना। हाँ मानो कारीगर के हाथ में जादू हो कोई। बिल्कुल ऐसा है, तब तो मुझे भी देखना चाहिए। हाँ हाँ देखना चाहिए। और मैं बताऊँ मुझे तो अभी अभी जेम्स मेसन पसंद आया है। तो उसके हाथों में जादू होगा। कोई शक? अरे ही इज अट्रैक्टिवली सिनिस्टर, टॉरस द बुल, बहुत ही थी। ऐसा है तो फिर मेरे लिए कैरी ट्रैक भी सही रहेगा, क्या कहते हो? मुझे भी वही पसंद है, सारे कैप्रिकॉन ऐसे ही होते हैं। बिल्कुल। अरे वो कौन सी फिल्म थी उसकी इंग्रिड बर्गमैन के साथ, क्या नाम था उसका? कुछ अच्छी सी है, कुछ आसान सी, द समथिंग एंड द समथिंग। नहीं 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 वो तो दूसरी फिल्म थी उसकी, उसका नाम कुछ एक वर्ड का ही था, ओनली समथिंग। नहीं तुम्हें कुछ याद आ रहा है क्या?
मेरी तो जुबान पे हाँ, मेरी भी बस अभी याद नहीं आ रहा, वो छोटी सी फिल्म थी और इंग्रीड बर्गमैन ने तो क्या चार चांद लगा दिए थे उस फिल्म में, कितनी प्यारी जोड़ी थी ना उन दोनों की। अरे वो तो ऐसी ही थी, टिपिकल बर्गो। हाँ लेकिन मुझे तो पसंद आई थी। वैसे मैं अभी एक फिल्म देखने गया था, मैरी पिकफोर्ड की, तो होता क्या, उसको देख के पागल नहीं हुए? मुझे तो प्यारी हो गया था। मुझे भी ऐसी लगी, टिपिकल वर्गो। अच्छा कौन सी फिल्म देखी थी उसकी? अरे बड़ा आसान सा नाम था उसका, द समथिंग एंड द समथिंग, नहीं ये तो दूसरी है ना, एक वर्ड का था, ओनली समथिंग, हाँ यही यही। मिस्टर रूपर्ट, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप ये फिल्म देखने ही नहीं गए। क्या कर रहे थे तब से? तब से कुछ नहीं। आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? तुम थोड़े थके थके से लग रहे हो। नहीं मतलब मुझे ऐसा नहीं लग रहा। कुछ ना हो फिर भी तुम एग्जॉस्टेड से फील हो रहे हो। हाँ वो मैं दिन में सो गया और मैं दिन में सो जाऊँ तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है रूपर्ट। ओह मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, बड़ा अजीब सा लगता है। वैसे क्या लिख रहे हैं आप आजकल? मैं कबूतरों के बारे में लिख रहा हूँ और कुछ बारिश के बारे में। अच्छे हैं इनफैक्ट, बहुत अच्छे, और बस बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। अच्छी बात है। हाँ अच्छी बात ये है कि इससे बेहतर मैंने आज तक कुछ भी नहीं लिखा और ना ही कुछ इससे बेहतर पढ़ा, ये सबसे अच्छी बात है। वैसे तुम और ब्रैंडन कब निकल रहे हो ऑक्सफोर्ड के लिए? रात को 11 बजे के आसपास निकलने की सोच रहे हैं। तब तो पहुंचते पहुंचते सवेरे 6 बज जाएंगे। क्यों 6 क्यों बजेगा? अब ऐसे मौसम में निकलोगे तो लेट तो होगा ही, बट इट्स योर चॉइस। कितना अच्छा मौसम है रूपर्ट, लवली मून लाइट नाइट। मून लाइट नाइट? हाँ बाहर बारिश हो रही है। कहाँ हो रही बारिश? जरा ध्यान से सुनो। On my cue. Greno? हाँ? Miss Wilson की मदद करो। लायला, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो calories, my dear. अरे Ronald क्यों नहीं आया अभी तक? अरे सर वो इसी हफ्ते रुका हुआ यहाँ पर, बहुत दोस्त है उसके, शायद कहीं रुक गया होगा। हाँ? तुम बताओ क्या लोगे, वेज या नॉन वेज? वेज। नॉन वेज नहीं खाते? नहीं मैं नहीं खाता। बिल्कुल भी नहीं? मुझे बस नहीं पसंद है ना। मैं तो पहली बार ऐसे किसी को बोलते हुए सुन रही हूँ कि मैं चिकन नहीं खाता। मैं नहीं खाता लायला, मुझे बस नहीं पसंद। कोई तो रीजन होगा, बताओ। कोई रीजन नहीं है लायला। सेगमेंट फ्राइड पाव कहते हैं कि हर बात के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, बताओ। कोई कारण नहीं है लायला, मुझे लगता है कुछ अजीब सा किस्सा होगा। हाँ है ना? हाँ हाँ तो बताओ ना। अरे ऐसा कुछ नहीं। बताओ ना ब्रैंडन। मुझे लगता है कुछ मजेदार था होगा। बता भी दो। अच्छा ठीक है, तो दोस्तों 3 साल पहले की बात है, कनेक्टिकट में मदर का एक फार्म हाउस था और एक दिन मुझे और ग्रेनो को चिकन खाने का मन हुआ। लवली संडे मॉर्निंग, वादियों की खूबसूरती अपने चरम पर थी और दूर किसी चर्च की घंटियां सुनाई दे रही थी और ग्रेनो हमेशा की तरह 2-3 मुर्गों की गर्दन मरोड़कर उनका कत्ल कर रहा था। अरे जी ये कैसा टास्क था जिसे ग्रेनो हमेशा बखूबी निभाया करता था, लेकिन उस एक रोज हमारे एक सब्जेक्ट ने बगावत कर दी। वो उठ खड़ा हुआ बिल्कुल लाजरस की तरह, जिसे जीसस ने मौत के 4 रोज बाद जिंदा कर दिया। ये कहानी है, झूठ है, मैंने कभी किसी की गर्दन नहीं मरोड़ी, एक शख्स ने ये तुम्हारी बातों पर बैठा। मुझे पता था तुम नहीं मानोगे लेकिन यही सच है ग्रेनो। और बहुत फनी है, लेकिन कैसे तुम लोग इतना सीरियस हो कि मरे हुए चिकन के पीछे लड़ रहे हो? कम ऑन गाइस। अरे नहीं लायला, हम तो ऐसे ही झगड़ पड़ते हैं आजकल। कहानी खत्म हो गई? हाँ अच्छा है खत्म हो गई, वरना थोड़ी देर में तुमने मुर्गों की जगह एक दूसरे की गर्दन मरोड़ रहे।
वो तो मेरे पास नहीं है। देनो, मजाक मत करो, मैंने तुम्हें लिया था। तुमने मुझे कब दी? देनो, मैंने तुम्हें हाथ में लिया था। तो कब दी तुमने? देनो, रुको रुको, देखता ठीक से पीछे वाली टिकट। तुमने मुझे दी ही नहीं, मेरे पास थी नहीं टिकट। देनो, तुम किसी काम कर रहे हो, तुम्हें दिया था। तुम देखो तुम्हारे पास तो नहीं। मेरे पास है ही नहीं। तो तुम मेरे पास कहाँ से हो? देनो, तुम शायद मैंने रिपोर्ट ऊपर वाले पॉकेट में रखी थी। तो कहाँ है वहाँ? तो ऊपर वाले पॉकेट में रखना। जरूर जरूर नहीं सर, आजकल छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है और ऐसे ही गंदों को चिल्ला देता हूँ, माफ करना चाहिए। हाँ हमेशा ऐसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करते। हाँ देखो ना, कोई मायने ही नहीं इन बातों के। जब देखिए तब मुझे रौब झाड़ा करता है। डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? अरे नहीं सर, आपको कहाँ पता था कि हम झगड़ पड़े हैं? नहीं पता ना। वैसे कोई दिक्कत नहीं चाहिए क्या? दिक्कत क्या ले गया? स्कॉच। ब्रैंडन एक बात बताओ, हम इस संदूक के अंदर जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं, अगर मैं जाने दूं तो। अच्छा मिस्टर रूपर्ट, आप भूल गए क्या? ब्रैंडन ने इसमें शायद किसी की लाश रखी है और ताला लगा हुआ है ना? हाँ हम तो भूल ही गए थे। तुम भूले होंगे, मुझे याद था। और इसके लिए मैं आप दोनों से माफी चाहता हूँ। ब्रैंडन एक खूनी है। ब्रैंडन जरा अपने हाथ दो। ये लो। दोनों हाथ दो। ये लो। तुम्हें पता है तुम रंगे हाथों पकड़े गए? नहीं तुम चूक गई लायला। मैं नहीं चूकी ब्रैंडन, मुझे पता है इसमें क्या है। क्या रखा है? एक बुढ़े आदमी की लाश। सड़क किनारे अखबार बेचने वाले को तुमने पकड़ा होगा, उसके सोने के दांत चुरा लिए होंगे और फिर उसे पटक दिया होगा इसमें। सोना बहुत कीमती है ना ब्रैंडन, तो उसके लिए तो तुम खून भी कर सकते हो। वेल दोस्तों, मुझे लग ही रहा था कि ये सब करते हो, मुझे किसी ने देखा, तुम ही दिखे लायला होगी। और क्या, अब वैसे इसमें ताला क्यों लगा हुआ है? क्या रखा है? मैंने अभी तो बताया तुम्हें लायला। चाबी दो। नहीं लायला, मैं तुम्हें चाबी नहीं दे सकता। देखो अगर मैंने तुम्हें चाबी दे दी तो मुझे फांसी पर लटका दिया जाएगा, मैं तुम्हें चाबी नहीं दे सकता। सर अगर तुम बेगुनाह हो तो अपनी बेगुनाही साबित करो, इतना क्यों डर रहे हो? मैंने कब कहा कि मैं बेगुनाह हूँ? मैंने अभी अभी तुमसे कहा है कि मैंने खून किया है लायला और मेरे हाथ खून से रगे हुए हैं, मैं तुम्हें चाबी नहीं दे सकता। तो तुम चाबी नहीं दोगे? जी नहीं। नहीं दोगे तुम चाबी? तुम्हें पता है अगर मेरे पास अभी एक स्ट्रांग आदमी होता ना तो वो झट से तुमसे चाबी छीन के लायला। मैं बनूंगा तुम्हारा स्ट्रांग आदमी। ओ ओ तो बनो फिर। कैसे बनना? जैसे तुम चाहो। ओह तो फिर देखती जाओ कि आगे आगे होता है क्या। मिस्टर ब्रैंडन, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता, चुपचाप इस संदूक की चाबी मेरे हवाले कर दो, वरना इसके बाद जो कुछ भी होगा तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। ओह अच्छा ठीक है, आओ ले लो चाबी। कहाँ है चाबी? मेरे कोट के पॉकेट। कौन से पॉकेट में? राइट पॉकेट। तुम्हारा राइट या मेरा राइट? मेरा राइट। अंदर वाली पॉकेट, बाहर वाली पॉकेट? अंदर वाली। छीन लो रखने चाबी। ब्रैंडन चाबी के लिए। एक मिनट, मुझे लगता है मुझे इस आदमी को 10 सेकंड की मोहलत तो देनी ही चाहिए। ये आखिरी मौका है तुम्हारा ब्रैंडन। गिनो। 1 2 3 4 5 6। तुम चाबी नहीं दे रहे हो?
सीरियसली। कोई बात नहीं, स्कूल में भी तुम मेरे साथ ऐसे ही करते थे। बन गए स्ट्रांग आदमी। पता है ना ब्रैंडन के बारे में? सॉरी गैरेथ, रियली सॉरी। माफ करना लायला, मैं तुम्हारा स्ट्रांग मैन नहीं बनता। कोई बात नहीं, वैसे भी ये ब्रैंडन किसी जानवर से कम नहीं है। अरे नहीं लायला, मैं तो बस एक माफ करना। हाँ हाँ माफ किया, वैसे भी मेरा दिल बहुत बड़ा है और मेरे दिल में सबके लिए जगह है, फिर वो कोई डेस्परेट क्रिमिनल ही क्यों ना हो। भाई मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, सभी लोग पार्टी एंजॉय करने की जगह मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने पे क्यों लगे? बेचारे ब्रैंडन को उसका काम आसानी से क्यों नहीं करने दे रहे? क्योंकि मैं एक जासूस हूँ, स्लूथ नहीं देखी आपने? और वैसे भी सभी हथियारों को उनकी सजा मिलनी चाहिए। और ये तुम कैसे दिलाओगी? कैसे क्या, उन्हें गिरफ्तार करवा कर। अच्छा, और इससे न्याय मिलेगा? हाँ। मैंने कई बड़े बड़े क्रिमिनल्स के बारे में सुना है, कईयों की गिरफ्तारी भी हुई, कुछ को फांसी भी हुई, पर फांसी होने या गिरफ्तार होने से किसी पीड़ित परिवार को न्याय मिला हो ये मैंने नहीं सुना। हाँ। उम्मीद करता हूँ तुम सजा और न्याय के बीच में कंफ्यूज नहीं हो रही। मगर कम से कम वो जेल में तो है, सजा तो मिल रही है उनको। तो आप उनमें से हैं जो मृत्यु दंड के खिलाफ? We don't approve of capital punishment. No. मैं फांसी नहीं, मैं तो हत्या को भी जायज मानता हूँ। हत्या? जी हाँ, इवन मैं कुछ लोग की हत्याएं कर देना चाहता हूँ, मेरे कुछ अपने, मेरे रिलेटिव्स। कह रहे जो तुम लुइजा कडल की बात कर रहे थे ना, मैं उसे मार देना चाहता हूँ। इनफैक्ट मैंने कई सारे मर्डर्स कर रखे हैं। मर्डर्स? तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपने मर्डर किया है? बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ बैठे कुछ लोग शायद उस न्यूज़पेपर बेचने वाले बुड्ढे को उसके सोने के दांत के लिए मार सकते हैं, बट ये छोटा पैमाना। जहाँ सोसाइटी आपको एक तरफ खूनी या हत्यारा कहेगी और आपको फांसी के फंदे पर चढ़ा देगी और इसे जस्टिस कहेगी, वहीं दूसरी तरफ किसी एक देश के हजारों युवा किसी दूसरे देश के हजारों युवाओं को मार देते हैं, उनके मारने पर सोने के दांत भी नहीं मिलते, कुछ पीतल के तमगे मिलते। दरअसल पैमाना बड़ा है, तादाद बड़ी है, तो हम इसे वॉर कहते हैं। आप में से शायद कुछ लोगों को पता भी हो, आई माई सेल्फ हैव टेकन पार्ट इन द ग्रेट वॉर, या मैंने खुद हजारों लोग की जान ली। बट पॉइंट ये नहीं, पॉइंट ये है, और जो कि मैं साबित कर चुका हूँ कि मैं हत्या के खिलाफ नहीं। मिस्टर रूपर्ट, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पे कोई खून हो गया ना, तो सबसे पहले उठ के भागने वाले तो आप ही होंगे। रियल? हाँ, बिसाइड्स आपको कोई मॉरल स्टैंडर्ड्स नहीं है क्या? शायद नहीं, होने चाहिए। हाँ, और वैसे भी मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने आप जो कहना चाह रही हैं उसकी बात छोड़िए, मैं जो कह रहा हूँ आप सुनिए। सुनिए तो सही, मुझे ऐसा लगता है कि आपने एक मक्खी भी नहीं मारी होगी अपनी लाइफ में। और जहां तक मुझे याद है, मैंने अपने जमाने में हजारों मक्खियां मार रखी। और वैसे भी नहीं, आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, मैं ये कह रही थी, आप बोल लीजिए। नहीं आप, नहीं आप बोल लीजिए। आप अपनी इन थियरीज को लेके सीरियस तो नहीं है? बिल्कुल सीरियस है। अरे तुम दोनों को आज कुछ और बात ही नहीं मिली क्या मजाक करने के लिए? आपको ऐसा क्यों लगा कि हम मजाक कर रहे हैं? ब्रैंडन, मर्डर एक कला है और इसका अभ्यास करने की जो छूट है वो कुछ ही लोगों को दी जाती है जो कि उन देशों के काम आते हैं। नो, सोल्जर्स। हमेशा ऐसा नहीं होता। अब तो आप कुछ भी बोल रहे हैं। सर मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलता। ठीक है, फिर मुझे ये बताइए कि हम में से ऐसा कौन है जो ये तय करेगा कि कौन मरना चाहिए और किस मारेगा कौन? सर इसका अधिकार तो या यूं कहो कि वो बिरले ही होते हैं। और ये बिरले कौन हो सकते हैं? मैं हो सकता हूँ, ग्रेना हो सकता है, इनफैक्ट रूपर्ट भी हो सकते हैं। कैलेथ, तुम बिरले नहीं हो। आई एम बीइंग सीरियस हियर। मजाक तो हम भी नहीं कर रहे सर। एक मिनट सर, ऐसे कुछ ही लोग होते हैं, 100 में से एक ही इंसान होता है जो इंटेलेक्चुअल, कल्चरल और टिपिकल मॉरल कॉन्सेप्ट से ऊपर सोचता है, पारंपरिक अवधारणाओं से ऊपर उठ चुका है। सर सही और गलत के रास्ते उन 100 में से एक के लिए बनाए गए हैं जो 100 में से एक को सुन सकते हैं, देख सकते हैं, और वो बिरले ही होते हैं।
एक्सेप्शनल फ्यू। सुपरमैन थ्योरी में यकीन करते हो तुम? बिल्कुल रखता हूं। हिटलर भी करता था? हिटलर वाज अ साइकोपैथिक मास किलर सर, पागल था वो, निशान हत्यारा, सारे फासिस्ट ब्रेनलेस मर्डरर थे। पहले तो मैं उन्हें बेवकूफ होने के लिए फांसी दे देना चाहता हूं, और अगर उसमें से कोई बचा तो उसे भी। तो ब्रैंडन तुम सबसे पहले ना मुझे फांसी पर चढ़ाओ, क्योंकि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, मैं इतना बेवकूफ हो गया हूं कि ये मजाक चल रहा है कि तुम लोग सीरियस हो। और जब से मैं देख रहा हूं ब्रैंडन तुम्हारी, I'm sorry, मुझे माफ करना, पर मैं ना उस सोसाइटी से आता हूं जहां पर इंसानियत का कुछ मतलब होता है, एक सिविलाइज्ड सोसाइटी से। सिविलाइज्ड सोसाइटी सर, जिसे आप सिविलाइज्ड सोसाइटी कह रहे हैं वो एक हिपोक्रेसी है। ठीक है ब्रैंडन, तुम अपनी राय रखो या हम सभी अपनी अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र हैं। यही सही है सर, मुझे लगता है कि रूपर्ट भी मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं। वेल जेंटलमैन, आई रियली हैव द इंटेलिजेंस एंड इमेज। बहुत हुआ ब्रैंडन, जब से मैं देख रहा हूं दैट्स इनफ नाउ। ब्रैंडन, इट्स सो अनलाइक यू, अभी तक तुम्हारी पार्टी में म्यूजिक नहीं बजा। एल्विस का नया रिकॉर्ड बजा रहे हैं। सॉरी सर, सॉरी, आई रियली सॉरी, आई गॉट कैरिड अवे। वैसे लायला, हमारे पास उससे भी कुछ खास है। क्या? ग्रेनो? हाँ, ले फिनफिरिक्स के बैंड ने एक इंडियन गाने को ब्राजील के सल्वाडोर में परफॉर्म किया था। लेट्स सी। लेकिन शर्त यह है कि डांस सभी को करना पड़ेगा। भाई मैं तो तैयार हूँ। Yeah.
कैनेथ, तुम लायला को संभालो, मैं सर को किताबें दिखा कर लाता ब्रैंडन। पर किताबों से पहले क्या मैं एक बार एलिस से बात कर लूं फोन पर? हाँ सर, मैं बैठूं। ब्रैंडन तुमने तो आज कहीं चार पांच लोग को सिर्फ इसलिए तुम्हें फांसी देने वाले हो कि वो बेवकूफ। अरे सर दे भी दी तो किसे पता चलता है। मिसेस देवनम, आप भी आइए किताबें देखने। हाँ बिल्कुल, तुम्हें पता मुझे बचपन से किताबें देखने का बहुत शौक है। बचपन में तो हम सभी उल्टी सीधी हरकतें किया करते थे। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज, चलो ब्रैंडन। अच्छा कैनेथ, हाँ तुम कुछ सॉफ्ट सा क्यों नहीं प्ले कर लो? हाँ मैं जाता हूँ। अच्छा तुम रुको, मैं करता हूँ। ब्रैंडन की बातों में मत आना, ऐसी हरकतें करता रहता है। मैं दूसरे कमरे में जा रही हूँ किताबें देखने। नहीं ब्रैंडन को ये बताने कि मैं उसकी बातों में नहीं आने वाली हूँ। तुम्हें ब्रैंडन की बातें समझ में आती है? मतलब तुम्हें कोई फर्क पड़ता है? तुम्हें इस बात से फर्क पड़ता है कि ब्रैंडन क्या सोचता है? मुझे पता है कि वो क्या सोचता है। उसे यही लगता है कि हम इसलिए अलग हुए, मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ा क्योंकि रोनल तुमसे ज्यादा अमीर है, तो उसके पास तुमसे ज्यादा पैसा है। क्यों अलग हुए थे? मुझे शर्म आने लगी थी तुम्हारे साथ। तुम्हें शर्म आती थी लायला? लेकिन मैं शर्मिंदा थी और मुझे ऐसा होना नहीं अच्छा लगता था कहने तो। शायद मुझे ऐसा देख तुम्हें भी तो अच्छा नहीं लगता होगा ना। ऐसा क्यों लगता था तुम्हें? तुम्हें याद है तुमने मुझे पहले छोड़ा था कैनेथ, और ये जानकर ब्रैंडन को क्या लगेगा? क्योंकि उसे भी तो वही लगता है जो दूसरों को लगता है, that I left you, मैंने तुम्हें छोड़ा है। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं कुछ सोचने लगा था। क्या? लड़कियां छोटी छोटी चीजों में कितना। मैं इसलिए भी शर्मिंदा हूँ क्योंकि कहो ना वेल, तुम और रोनल्ड कितने अच्छे दोस्त, लेकिन अब नहीं हो मेरी वजह से। हम सच एन इडियट गर्ल। नहीं तुम इडियट तो नहीं? हाँ लेकिन लग तो रही हूँ ना। क्या लगता है तुम्हें कैसी हूँ? You are smart and you are pretty and you are ignoring me, so you are obviously my type. Sorry, क्या कह रही थी मैं? Perfect. हाँ लेकिन मैं रोनल्ड के साथ ऐसी नहीं लग पाती। क्यों? बिल्कुल नहीं। तुम उससे मजाक नहीं करती? मैं उसके साथ रिलैक्स करती हूँ। All thanks to you. Me? तुम्हें याद है जब तुमने मुझे छोड़ा, सब खत्म किया, बहुत टूट सी गई थी मैं, कुछ नहीं बचा था मुझ में। उसके बाद मैं रोनल से मिली और अरे लाला तुम लोग स्टैंड छोड़कर आ गए? हाँ मैं थोड़ा थक गई। अच्छा कैनेथ कहाँ है? वो आगे निकल गया। और तुम यहीं पर? लड़ाई हो गई क्या? तुम्हारा मैच कैसा था? मैच ठीक था, जीतते जीतते हार गया। कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट मैच। थैंक्स। कॉफी पीने चले? जरूरी है क्या? मैं बहुत थक गई हूँ। नहीं जरूरी नहीं, हम लोग वॉक पर चलते हैं, आ जाओ। रोनल मेरा और कैनेथ का ब्रेकअप हो चुका है। क्या ठीक है? पता नहीं। और तुम? नहीं तुम जा सकते हो, तुम्हें रुकने
रुकने की जरूरत नहीं है। नहीं नाला, मैं अपनी मर्जी से रुका हूँ। हाँ लेकिन केनेथ तुम्हारा ज्यादा अच्छा दोस्त है, उसे जरूरत है तुम्हारी। हाँ उससे भी मिल लूंगा, और दोस्त तो तुम भी हो। और वैसे भी हमारे यहाँ कहते हैं कि उदास लड़कियों को अकेला नहीं छोड़ते, वरना अगले जन्म में चूहे के रूप में पैदा होता। लेम था ना? कोई बात नहीं, तुम्हें मुझे खुश करने की जरूरत है। अरे नहीं लैला, मैं तुम्हें खुश नहीं कर रहा था, इट्स जस्ट कि लैला अगर तुम चाहो, मेरा मतलब है अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम मुझे बता सकती हो। आई डोंट नो रोनल्ड, मैं तुम्हें बता पाऊँ या नहीं, समझा पाऊँ या नहीं, या तुम समझ पाओगे या नहीं, कोशिश तो करो। घुटन होने लगी थी मुझे केनेथ से, नहीं खुद से, मानो कि कोई ऐसा नकाब पहन लिया और सांस तक नहीं लेते बन रही। कैसे हम किसी और के लिए एक अलग ही चेहरा बना लेते, एक अलग जिंदगी, पसंद नापसंद सब अलग, लेकिन कब तक? लेकिन कब तक? कुछ कहा तुमने? नहीं सॉरी, तुम कहो ना। मैंने अपना एक अलग ही रूप देखा, अलग चेहरा, वो लैला जो मैं हूँ ही नहीं, लेकिन दूसरों के लिए बन रही हूँ, दूसरों को यकीन दिलाने के लिए। नकली हंसी, नकली आंसू, नकली मुस्कुराहट, सब नकली, सिर्फ दूसरों के लिए। और पता है, दूसरों को यकीन दिलाते दिलाते मैं बस खुद को भी यकीन दिलाने की एक नाकाम कोशिश कर रही थी, बट आई फेल मिजरेबली। पर क्यों लैला? मतलब? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी मैं जिस लैला से बात कर रहा हूँ, क्या वो नकली है? नहीं ना, ये आंसू असली हैं, जो हंसी थी वो असली थी, तो फिर किस लिए, क्यों कर रही हो ये सब? तुम नहीं समझोगे लैला। मैं समझता हूँ, दूसरों के लिए खुद के रियल सेल्फ को सेक्रीफाइस करना क्या होता है जानता हूँ, बट अभी मुद्दा ये नहीं। देखो लैला, तुम जो हो जैसी हो मुझे तो अच्छी लगी, एंड आई एम प्रीटी श्योर बाकियों को भी अच्छी लगोगी। और नहीं लगी तो वो लोग अगले जन्म में चूहे के रूप में पैदा हो जाएंगे। ध्यान रखना अपना, मिलता हूँ। तुम रोनाल्ड से सच में प्यार करने लगी हो? ना मुझे अगर जरा भी इन चीजों का अंदाजा होता तो ये कुछ नहीं होने देता। क्या? इस नहीं होने देता। टेक माय वर्ड्स, ब्रैंडन का ये म्यूजिक पर एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही। क्या? जब मैं यहाँ आया और मुझे पता चला कि तुम भी आ रही हो, तो वो ब्रैंडन कहने लगा कि मेरे पास आज एक मौका होगा तुम्हारे पास वापस आने का। कितना घटिया आदमी है वो, उसे अच्छी तरीके से पता कि मैं और रोनाल्ड साथ में है, फिर भी वो तुमसे ये सब बातें कह रहा है। इसका मतलब ब्रैंडन जानता था कि अब हम साथ नहीं है। हाँ उसे अच्छी तरीके से पता है कि मैं और रोनाल्ड साथ में है। का मतलब वो इन सब बातों से अनजान होने का नाटक कर रहा था। यहाँ चल क्या रहा है? मुझे नहीं पता यहाँ क्या चल रहा है, लेकिन पता करना पड़ेगा। ब्रैंडन! हाँ मोहतरमा। इधर आना। देखा तुमने, किसी को शक तक नहीं होने दिया इसने। क्या कर रहे हो तुम? मैं बस तुम्हारे लिए एक और जाम बनाने जा रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो। ये नाटक बंद करो और मुझे बताओ तुम कौन होते हो केनेथ को ये बोलने वाले कि मैं रोनाल्ड को छोड़ के केनेथ की हो जाऊंगी। मैं कोई नहीं होता। और क्या केनेथ, मैंने तुमसे ये कहा था? हाँ लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब तो यही था ना। लैला, लड़कियां गुस्से में बहुत प्यारी लगती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम नहीं लगती। बकवास बंद करो वरना मैं। ठीक है, तुम्हारी तलवार मेरा सिर, कर दीजिए इस नाचिस का सिर धड़ चला। मुझे नहीं लगता कि अब रोनाल्ड आने वाला है। वेट एंड वॉच। आई डोंट हैव टू। वो कोलिजियम जाने से पहले मुझसे मिल के गया था और वो इस पार्टी में हमें एक सरप्राइज देने वाला था केनेथ, लेकिन अभी तक नहीं आया है। तो इसमें मेरी क्या गलती है लैला?
ये पार्टी सिर्फ मिस्टर कैंटी को किताबें दिखाने के लिए तो नहीं रखी गई थी ना, ये मुझे भी ऐसा ही लगने लगा है। और जो तुम करो उसमें तुम्हें मजा आ रहा होगा, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। एनी प्रॉब्लम? कुछ नहीं सर, लैला को बेवजह परेशान होने की आदत है। मैं मोहतरमा को खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ और आई थिंक शी इज मिसिंग रोनाल्ड। लैला सर, हम सब मिस कर रहे हैं उसे। वैसे मुझे नहीं लगता इस पार्टी में किसी को डेजर्ट खाने की पड़ी। मुझे लगता है इस पार्टी में सभी को ठंडी चीजों से थोड़ा परहेज है, और मिठाई से भी। आज जब से देख रही हूँ सब कुछ कुछ अजीब ही चल रहा है। अजीब? जैसे? जैसे कि मुझे लगता है कल रात को ये दोनों ना गलत करवट चल गए थे। आज जब से देख रही हूँ इनके मन में कुछ और ही चल रहा है। पर ब्रैंडन की दावत में तो ये इम्पॉसिबल है, वो तो खुले दिल से दावत देता है। एग्जैक्टली, ब्रैंडन हमेशा हर चीज मेरे ऊपर छोड़ देता है। मैं ही करती हूँ उसकी पार्टी की सारी तैयारियाँ, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि देखिए ना खाना रखा कर रखा रह गया। वैसे क्या हुआ आज पहली बार? आज सुबह से ना काफी अजीब अजीब सी चीजें हो रही थी। ब्रैंडन को सुबह यहाँ पे टेबल सेट करने की बहुत जल्दी थी, फिर और भी सामान खरीदने थे। मैंने सारी चीजें जल्दी जल्दी की, फिर ब्रैंडन का कॉल आया और उसने मुझे बोला कि मिस विल्सन आप आराम से शाम को आइएगा। उसके पहले उसको बहुत जल्दी थी सारी चीजों की। शाम को? जी। तो बता नहीं दिया क्यों? वो मुझे क्यों बताएगा मिस्टर कैडल। लेकिन हाँ, जब मैं यहाँ पे आई थी ना तब ग्रैनीलो काफी परेशान लग रहा था। परेशान? जी। क्यों? मुझे कैसे पता होगा मिस्टर कैडल, मैं थोड़ी पूछूंगी उन लोगों से। आपको लगता है मैं पूछूंगी? नहीं, मुझे शायद आपने पूछा हो। नहीं नहीं, मैं नहीं पूछती अब। देखिए ना सब कुछ कैसा फैला पड़ा है ये सारी चीजें। अब इस पार्टी के बाद मुझे को सारी चीजें संभालनी पड़ेगी। जो जहाँ पे था वो वहाँ पे रखना पड़ेगा। ये संदूक में वापस से वो किताबें जमानी पड़ेंगी। बस मेरा काम बढ़ा जा रहा है। हम संदूक पे खाना क्यों खा रहे थे? मुझे नहीं पता एक्चुअली। पहले तो सारी चीजें डाइनिंग टेबल पे प्लान की थी, ये तो उसका आधा भी नहीं है पता है आपको। मुझे नहीं ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं। आई नो बट आपने बहुत सही से पार्टी मैनेज की। वो तो किया बट आप देखिए ना कैसे। मिस विल्सन, आप कब से यही रेट लगाए जा रहे हैं? खाना आपकी टेबल पर होता सब कुछ ठीक होता, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है कि यहाँ सब कुछ कितना अच्छा है? मिस्टर केंटली के लिए और हम सब के लिए भी। उनको वैसे भी वहाँ पे जाना पड़ता ग्रैनी, देखो सब वहीं पे है। आप सिर्फ मेहमानों का खाने का ख्याल रखें तो बेहतर है आपके लिए। कल गलत करवट हो गए थे क्या तुम दोनों? जा सकते हैं। मुझे लगता है पार्टी सिर्फ मैं ही हूँ जिसे अच्छा महसूस हो रहा है। ग्रैनो ये चल क्या रहा है? मेरे कानों में चुभ रहा था और कुछ नहीं। ग्रैनो, अगर कोई मेरी बात का जवाब नहीं देता तो मैं और भी ज्यादा क्यूरियस और इंपेशेंट हो जाता हूँ। अच्छा, कुछ पूछा क्या आपने? हाँ, एक सवाल पूछा। कौन सा सवाल? चल क्या रहा है एक पार्टी? थोड़ी अजीब सी नहीं है पार्टी? तुम्हें क्या लग रहा है? आपको मुझसे कुछ पूछना है रूपर्ट? तो सीधे सीधे पूछे, चोर पुलिस का खेल आप मेरे साथ मत खेलिए। ग्रैनो किधर जा रहे हो? एक ड्रिंक ले। क्या पियोगे? रम? विस्की? मैं चाहता हूं मैं तुमसे डायरेक्टली पूछ लूं कि मुझे पूछना क्या है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे जानना क्या है। सुन लिया है मैंने। फिर ठीक है। हियर योर ड्रिंक।
थैंक यू। ठीक है रूपर्ट, ठीक है मैं ही पूछ लेता हूं आपसे, क्या शक है आपको? शक वो तो मैं भूल गया, रोनाल्ड का है? मुझे नहीं पता। ब्रैंडन को पता है? मुझे नहीं लगता उसे पता होगा। चलो अब बता भी दो। अब ब्रैंडन से जाके क्यों नहीं पूछते? पूछा मैंने, पर वो बिजी है अपने दो प्यादों के साथ, कैनेट लाइना। कहीं मैं कुछ ज्यादा गलत तो नहीं समझ रहा? इसमें सही और गलत समझने जैसा कुछ नहीं है रूपर्ट, ये आपके मन का वहम है और कुछ नहीं। तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो? तुमने मुझसे तीसरी बार झूठ बोला, पहली दो बार कब का? कलेजे। और दूसरी, तुमने आज तक कभी मुर्गे नहीं मारे? मैंने नहीं मारे, वो ब्रैंडन की बनाई हुई बस एक कहानी थी और कुछ नहीं। अच्छा, जब साल भर पहले मैं तुम्हारे फॉर्म पे गया था तो तुमने खुद अपने हाथों से मुर्गे मारे? हाँ हाँ, तो मैंने ये कब कहा कि मैंने मुर्गे नहीं मारे? मैं तो बस ये कह रहा था कि ब्रैंडन जो कह रहा है वो सच नहीं है। तुमने ऐसा ही कहा? वो बात मुझे खाना खाते वक्त करने की नहीं लगी बस। तुमने ऐसा तो नहीं कहा? हाँ मैंने एग्जैक्टली ऐसा नहीं कहा। तो बताओ, अब तो बता दो, अब हम खाना भी नहीं खा रहे। मुझे उस बारे में बात करनी नहीं पसंद। किस बारे में? मुर्गों के गर्दन मरोड़ने के बारे में? किस बारे में? मुझे लग नहीं रहा था कि ये किताबें आपको इतनी पसंद है। वैसे तुम और ग्रैनो कभी छुट्टियों में आओ ना तो घर पर आना है, हम साथ में डिनर करेंगे, ठीक है? जी सर। रोनल भी वही मिलेगा अब तो तुमसे। आई सर, प्लीज आई। हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं है? कुछ नहीं। तुम सर कैंटली को देख के चौंके क्यों? कोई बात नहीं, कुछ नहीं। तुम्हें नहीं पता था वो किताबों के लिए आए? मुझे बस वो किताबों का बांधने का तरीका थोड़ा अजीब लगा। एलिस को फोन किया था ना? हाँ, लेकिन डॉनल का वहाँ भी पता नहीं चला। एक मिनट, मिसेस डेवन है, उसकी इतनी चिंता मत कीजिए। मेरा मतलब है वो बच्चा नहीं, अपना ख्याल अच्छे से रख सकता। ब्रैंडन रूपर्ट कुछ तो करने वाला है। वो कुछ नहीं कर पाएगा, तुम अपने आप को संभालो, मैं सब संभाल लूंगा। मुझे थोड़ी और देर। नहीं, तुम आज के लिए काफी पी चुके हो, मैं अब तुम्हें और नहीं पीने दूंगा। हाथ हटाओ। ग्रेनो ये ज्यादा हो रहा है। हाथ हटाओ। ठीक है, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ब्रैंडन। ठीक है, धीरे बोलो, पहले बच्चे को खत्म करो। ग्रेनो तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं किया? हाँ बस उससे शराब पिला। मुझे इससे ज्यादा तो तुम परेशान हो। मैं और परेशान? कुछ तो है जो तुम दोनों को परेशान कर रखता है। ब्रैंडन? हाँ? किसी का कॉल है, उनको मिसेस डेवलम से बात करनी थी। एलिस का होगा, मैं बात करके आती हूँ। हाँ, ब्रैंडन के कमरे में आइए। मिस्टर कैंटली, आपको भी लगता है कि रोनल घर पे ही होगा? हाँ, घर पर ही होगा। माफ कीजिए, वैसे मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, अगर रोनल घर पे होता तो मिसेस कैंटली के फोन तो खुद होता। क्या लगता है ब्रैंडन? मुझे कैसे बताओ, जिस रोनल्ड को मैं जानता हूँ वो टाइम का बड़ा पंक्चुअल है। हाँ, वो बिल्कुल नहीं बदला है। अगर वो घर पर नहीं है कहाँ है? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, मुझे नहीं पता। अगर वो यहाँ नहीं तो कहीं और होगा। जैसे? जैसे हार्वर्ड क्लब या ब्रैडली, वहाँ कुछ तो है शायद। हाँ, वहाँ दावत है। तो वहाँ क्यों जाएगा? उसने सोचा होगा लौटते वक्त हम सबसे मिल लेगा। लेकिन मिसेस कैंटली से बात होने के बाद मैंने अपने घर पे भी फोन किया था और वो वहाँ भी नहीं था। अगर रोनाल्ड को ढूंढने की बात है तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि वो दिन कहाँ था। मुझे तो बिल्कुल नहीं पता। तुम्हें नहीं लगता ब्रैंडन इससे हमें ढूंढने में मदद मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। लेकिन सुबह तो वो मुझसे मिलके गया था कोलिजियम और फिर उसके बाद वो हमें यहीं पर मिलने वाला था। पर यहाँ तो नहीं है। मुझे लगता है जरूर किसी शानदार पार्टी में होगा जिससे उसका मन लुक गया होगा। अच्छा ब्रैंडन, तुम्हारी कोई फोन पे बात नहीं हुई रोनाल्ड से? नहीं सर, लेकिन आप मुझसे क्यों पूछ रहे? मुझे लगा हो सकता है फोन करके बताया हो कि लेट हो जाएगा। मेरी उससे कोई बात नहीं और ना ही शायद ग्रैंड लोग की। अरे ये कैसे हो सकता है? क्या सर? मुझे याद है वो दिन में ग्रैनिलो से फोन पर बात कर रहा था। आर यू श्योर? हाँ हाँ, मैं वो बताना भूल गया था, आई एम रियली सॉरी। हाँ मिस्टर कैंटी, वो ग्रैनो और रोनाल्ड एक कुछ सरप्राइज प्लान कर रहे थे इस पार्टी के लिए और इतना ही कुछ मुझे बताया था उसने। अच्छा, कैसी सरप्राइज? वो हम लोग एक डुएट परफॉर्म करने वाले थे। प्रैक्टिस तो किया?
विल्सन लाइए मैं आपकी मदद करता हूँ। जी जी रहने दीजिए मिस विल्सन, हम कर लेंगे। Are you sure? हाँ, I'm sure. Okay. रोनल एलिस के पास भी नहीं है ना, ये उसकी कोई बात हुई है? अरे रुको मैं बात करके आता हूँ। उसने फोन कट कर दिया है, अब बहुत परेशान हो गई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ हो गया? अरे क्या कह रही थी एलिस? उसने हर जगह फोन कर लिया जहाँ वो हो सकता था, अब उसे ऐसा लग रहा है कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो गया हो, अब वो पुलिस को फोन करने का कह रही है। पुलिस को? अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है उसकी। रोनल अभी एक एडल्ट है, वो अपने आप को संभाल लेगा। पर ब्रैंडन मुझे लगता है हमें अभी निकल लेना चाहिए क्योंकि एलिस घर पर अकेली होगी एंड शी नीड अस। जी सर मैं समझ सकता हूँ। मिस्टर कैंटी मैं भी चलूँ आपके साथ? हाँ हाँ मैं तुमसे पूछने वाला था, चलो। जी सर, जी सर। सर आपकी किताबें? अरे ये तो मैं भूल ही गया था, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अरे रोनल्ड से आपकी कुछ भी बातचीत हो मुझे बताइएगा, और अगर मेरी किसी भी चीज़ में जरूरत हो बेझिझक बताइएगा। शुक्रिया ब्रैंडन। रोनल का कॉल आ जाए बस तभी राहत होगी। मिसेस जेन आप आई, बहुत अच्छा। शुक्रिया ब्रैंडन हमें पार्टी में बुलाने के लिए, माफ करना हमें जल्दी जाना पड़ रहा है। वैसे ग्रैनो को मेरी तरफ से शुक्रिया जरूर कहना। जी सर, ठीक है। गुड नाइट ब्रैंडन। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। लैला। हाँ। मुझे पता है ये सही वक्त नहीं है ऐसी बातें करने का, लेकिन मुझे खुशी है कि हमने इस बारे में बात। मुझे भी, और रोनल को सुन के भी अच्छा लगेगा। तुम आ रहे हो हमारे साथ? मैं? हाँ चलो ना। ठीक है मैं अपनी हैट लेकर आऊँ। हाँ बाय ब्रैंडन। सर अब कह रहे तुम जा रहे हो? हाँ हम साथ जा रहे हैं। ओह देखा मैंने क्या कहा। ये लीजिए आपकी हैट। सर अभी घर? हाँ आई थिंक मुझे निकलना चाहिए। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। ओह गुड नाइट। गुड नाइट सर। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आज की शाम को बहुत बहुत खूबसूरत बनाने के लिए। अरे ग्रेनो आज की शाम को तो तवारीख के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाना चाहिए। मान भी जाओ कि अब बिल्कुल वैसा हुआ जैसा हमने सोचा था, इससे खूबसूरत और कुछ नहीं हो सकता था। होता अगर रूपर्ट यहां नहीं होता तो? अरे वही तो सबसे खास था, उसने मुझसे वो सब बुलवाया जो मुझे इन बेवकूफों को बोलना था। उसकी दावत में ताक झांक करने को तुम दावत में जान डालना कह रहे हो ब्रैंडन? तुम्हें पता भी हो मुझसे किस किस तरह के सवाल पूछ रहा था? किस तरह के सवाल? सर तुम्हें क्या फर्क पड़ता? साफ साफ कहो क्या कहना चाहते हो? तुम्हें वो किताबें बांधने के लिए कुछ और नहीं मिला? हाँ मुझे उससे अच्छा कुछ नहीं मिला, वो तुम्हें बुरा लगा? मुझे एक मुक्ति पसंद नहीं आया ब्रैंडन, तुम्हारा इस दावत में जान डालना हमारा जान ले भी सकता था। ये बोलो, मिस विल्सन अभी यहीं पर है, बहुत चढ़ गई है तुम्हें। मैं नशे में हूँ? हाँ हाँ मैं नशे में हूँ। और बचका रह गई जब तुमने मुझे सभी के सामने झूठा साबित कर दिया। तुम्हें वो कहानी सबको सुनाने की जरूरत क्या थी? तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत क्या थी ग्रैन? क्योंकि यही एक रास्ता था। तुमने कभी सोचा है ब्रैंडन कि वो कहानी मुझे बार बार सुनकर कितना बुरा लगता होगा? कभी से फॉर गॉड डैम वंस तुमने किसी और के बारे में सोचा है ब्रैंडन? एक मिनट, तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारे बारे में सोचूं? नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि यह शानदार दावत मिस्टर ब्रैंडन ने दी। फर्क इस बात से पड़ता है कि मिस्टर ब्रैंडन को पार्टी में बहुत मजा आया। फर्क इस बात से पड़ता है कि यह शानदार पार्टी की मिसाल इतिहास में दी जाएगी। मिस्टर बताओ, मैंने अपनी जिंदगी में इससे बकवास शाम आज तक नहीं देखी। ऐसे ही पीते रहो, सुबह तक हैंगओवर रहेगा। हैंगओवर होगा ना ब्रैंडन? कम से कम वो तो मेरा होगा, माय हैंगओवर। मैं बस चाहता हूं कि मैं सो कर उठूं और इस सब बस एक सपना हो। लेकिन क्यों ग्रेनो? क्योंकि मुझे मौत से डर लगता है और मुझे लगता है हम बस पकड़े जाने वाले हैं। नहीं ग्रेनो, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। कुछ वक्त पहले मैं तुम्हारी बात मान भी लेता लेकिन अब बिल्कुल नहीं होने वाला। तुम पूछोगे नहीं क्यों? क्यों? क्योंकि मिस विल्सन आप? हाँ वो मैं चाबी मांगने आई थी, कल सुबह आके सफाई भी तो करनी है।
हाँ आज की रात तो हमारी सफाई में बीतने वाली है। काफी थके हुए लग रहे हो तुम दोनों भी। मैं भी अभी घर पे जाके आराम ही करूंगी। हैव अ सेफ जर्नी है ना। हम जल्दी लौट आएंगे। चलो मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना और हाँ लिखते रहना। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या कर रहा था? गैराज वाले को फोन लगा। हेलो हेलो, मैं ब्रेंडन बोल रहा हूँ जी, क्या आप हमारी कार बेच सकते जी? अभी थैंक यू। खिड़कियाँ बंद कर दो। कौन है? गाड़ी वाला होगा क्या? नहीं ये वो नहीं हो सकता। अरे तुम दरवाजा खोलो। इतनी जल्दी गाड़ी वाला कैसे हो सकता है ब्रेंडन? अरे मिस विल्सन होगी, कुछ सामान रह गया होगा, तुम दरवाजा खोलो। ऐसा करते हैं कि हम कुछ नहीं बोलते, उन्हें लगे घर पे कोई नहीं है। अरे सारे घर की लाइट ऑन है ग्रेनो, ऐसे कोई लाइट ऑन करके कहां जाता है? तुम दरवाजा तो खोलो। कम ऑन। ठीक है आने दो। नहीं हम उसे नहीं आने दे सकते। ग्रेनो पहले तो चुप हो जाओ तुम और दरवाजा खोलो। ब्रेंडन उसे पता चल गया आप हम गए। उसे कुछ पता नहीं चला, मैं सब समझ। और तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं पकड़ लेगा, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? आराम से ग्रेनो। ग्रेनो रूपर्ट बाहर खड़ा है, लेकिन मैं उसे 5 मिनट से ज्यादा यहाँ नहीं रुकने दूंगा। 5 मिनट के अंदर वो इस दरवाजे से बाहर होगा। देखो तुम्हें अगर और पीना है तो पी लो, लेकिन प्लीज 5 मिनट के लिए अपने आप को संभाल लो। मैं तुम्हारी वजह से पकड़ा नहीं जाना चाहता, किसी की वजह से नहीं। मेरे रास्ते में कोई नहीं आ सकता। चिड़चिड़ा सा हो रहा है, हो सकता है, पर मैं कोई चीज भूल जाऊं ये नहीं हो सकता। मैंने जानबूझ के लाइटर छोड़ा था। जानबूझकर छोड़ा था पर किस लिए? कम ऑन ग्रेनो, हमारे साथ एक ड्रिंक पीने के लिए, और किस लिए? एग्जैक्टली हाँ। क्या मैं ड्रिंक पी सकता हूँ? मुझे लगता है कि स्मॉल ना, मेक इट लार्ज, अगर ऐतराज ना हो तो। कोई ऐतराज नहीं। नहीं हो सकता है, तुम लोग थके हुए हो, ऐतराज है? उसने कहा ना आप पी सकते हैं। थैंक यू। वैसे काफी अच्छा लगा पार्टी में सबको एक साथ देखकर। हाँ मुझे भी। अब ऐसा करो कि अब मुझे अपने रास्ते की रुकावट मत। किस रास्ते की? मतलब बहुत सारे काम होंगे ना तुम्हें, जैसे पैकिंग। ओ पैकिंग करनी होगी। कम वक्त आखिरी वक्त पर कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है। नहीं रूपर्ट, हमारी पैकिंग हो चुकी है। बढ़िया, बस एक आदमी को छोड़ के जिसको तुमने। खैर मैं इस ड्रिंक के बाद चलूंगा। जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है रूपर्ट। श्योर?
आई एम श्योर तब मैं थोड़ी देर और रुकूंगा तुम लोग को सी ऑफ कहने तक वैसे ये जो पार्टी थी इतनी बेहतरीन थी कि मुझे छोड़ के जाने की इच्छा हो नहीं रही और ख़ास तौर पे तब जब शाम इतनी खुशनुमा हो अजीब हो अजीब अजीब कहा क्या मैं हाँ आपके शब्दों के कई मायने होते ना रुपट नहीं नहीं अजीब तो कुछ नहीं था अगर रोनाल्ड के बारे में ना सोचो क्यों रोनाल्ड के बारे में क्या अजीब आया नहीं ना वो ओ हाँ तुम्हें क्या लगता है उसके साथ कुछ हुआ तो नहीं होगा जी क्यों क्या हुआ अरे रास्ता उसका भूल गया हो दिन में कोई कैसे रास्ता भूल सकता है रुपट सही कह रहे जब वो गायब हुआ होगा आई मीन अगर उसके साथ कुछ हुआ होगा तो दिन ही होगा हाँ आई होप उसके साथ कुछ ना हुआ कुछ कुछ नहीं हुआ उसके साथ क्या हुआ तुम्हें कुछ लग रहा है जैसे मुझे लायला थोड़ी गड़बड़ है कहीं उसने तो कुछ ऐसा ऐसा नहीं नहीं रुपट मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कैसे लगेगा उसके आशिक जो आई थिंक उसे ऐसा ना लग रहा हो कि कहीं तुमने तो नहीं रोनाल्ड को किडनैप किया या फिर यहाँ आने से रोका हो सर लायला के लगने या ना लगने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन आपकी बातें मुझे पसंद है आप बताइए ना आपको क्या लगता है क्या मैंने रोनाल्ड को किडनैप किया है ये तो तुम्हारी उन्हीं उल्टी सीधी हरकतों जैसा है जिसके लिए मैं तुम्हें स्कूल में पकड़ता था और तुम निकाले भी जा सकते थे लेकिन इस बार मुझे पकड़ना थोड़ा मुश्किल होगा बताइए ना सच में मैं जानना चाहता हूँ कि अगर आप मेरी जगह होते और रोनाल्ड को अपने रास्ते से आपको हटाना पड़ता तो आप कैसे करते ब्रेंडन अगर तुम्हें करना होगा ना तो तुम कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लोगे सर मैं आपका जानना चाहता हूँ ब्रेंडन इन सब मामलों में मुझसे बहुत बेहतर है लेकिन सर यहाँ मेरी बातें नहीं हो रही मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहता हूँ कि अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते ठीक है अगर मुझे रोनाल्ड को मारना होता तो सबसे पहले मैं उसे फ़ोन करके ऐसी जगह बुलाता जहाँ पे भीड़ कम ऐसे रेस्टोरेंट या बार या फिर मैं उसे यहीं बुला लेता जिससे हम लोग को कोई देख ना पाए ठीक है फिर मैं देखता हूँ कि रोनाल्ड आता है मैं उसकी पसंदीदा शराब उसको ऑफर करता हूँ और मैं उसे वहाँ बिठाता हूँ मुझे पता है रोनाल्ड काफ़ी स्ट्रांग है तो मुझे उसे एक वार में ही खत्म करना होगा मैं चुपके से उसके पीछे आता और ओ, और वो गया गया ठीक है फिर आप उसे रखते कहाँ फिर मैं ग्रैनो को हेल्प के लिए बुलाता मैं ग्रैनो की मदद से उसको लेके सीधे कार के अंदर Why are you laughing? वहाँ तो आप पकड़े जाते हैं ना रुपट क्यों क्योंकि अभी आपने कहा है कि रोनाल्ड के साथ कुछ हुआ होगा तो वो दिन में हुआ होगा और ये सारी घटनाएं जो आप बता रहे हो ये भी तो दिन में ही हुई होगी ना माय मिस्टेक मैं रात भर की लाश कहीं छिपा देता कहाँ कहाँ मुझे वही जानना कहाँ छिपाते आप कहाँ छिपाता ग्रैनो जिम्मेदारी मेरा काम थोड़ी है रूपट वैसे भी आपका यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं रह जाता क्योंकि ग्रहणों को बहुत चढ़ गई है और आप यहाँ सिगरेट लेने तो आए नहीं क्या मतलब तुम्हें क्या लगता है मैं ये पता करने आया था कि तुमने तो नहीं रोनाल्ड को किडनैप किया ये बिल्कुल सही समझा तुम बिल्कुल लैला की तरह डाउन उसने कई बार मेरे मन में विचार डालने की कोशिश की पर मैंने कहा नहीं ब्रैंडन ये सब नहीं कर लेकिन अगर ऐसा नहीं तुम जेब में हथियार लेके क्यों होगा जी योर रिवॉल्वर ठीक है रुपट ये आपके लिए नहीं है ये ठीक है अब रखना तो पड़ता है ना वैसे भी न्यू कैसल में क्राइम रेट इतना बढ़ गया है सच कह रहा हूँ इसीलिए मैं सच बोलने से डरता भी हूँ वैसे मैं इस ड्रिंक के बाद चलूँगा हाँ आपकी शराब खत्म हो गई वैसे तो मैं तो चाह रहा था कि मैं तुम लोग के साथ ही चलता सुहाना सफ़र होता सर्द मौसम थोड़ा कोहरा
रोमांच बहुत आता। बट एनीवे वैसे तुम्हारा एक साथी और भी तो होगा जी। ब्रेंडन ब्रेंडन इसको रस्सी मिल गई। ब्रेंडन इसको रस्सी मिल गई। अब हम गए नहीं तुम नहीं संभाल पाओगे। मैं पहले इसे मारूंगा उसके ठीक बाद तुम्हें। मैं संभाल नहीं चाहिए था ना तुम्हें कि सबको दिखा पाओ कि तुम कितने ब्रिलियंट हो, एक्सेप्शनल हो जैसे स्कूल में थे। मैंने तुम्हें बोला था कि इसे पार्टी में मत बुलाओ मत बुलाओ मत बुलाओ, लेकिन फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। रेनो अब हम गए। रेनो संभाल के। पता चल गया। रेनो संभालो अपने आप को प्लीज। रेनो ब्रेंडन तुमने मुझे मजबूर किया है। मुझे तुमसे नफरत है। मुझे तुम दोनों से नफरत है। दोनों से। और मुझे फर्क नहीं पड़ता। पीछे हटो। ठीक है मैं पीछे हटा। तो मेरे शब्दों के मायने कभी समझे
तुम मेरे शब्दों के मायने कभी समझ भी नहीं सकते थे, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक टेबल था जिसे मैं हर समय रोकता आया था, जिसने तुमसे ये सब करवाया। मेरे भीतर मोरालिटी ना सही, पर कुछ तो था जो मुझे ये सब करने से रोकता था। थैंक यू ब्रेड फॉर प्रूविंग माय थ्योरी रॉन्ग। नाउ आई एम अ शेम, नाउ आई रियलाइज कि ये सुपीरियर इंफीरियर ह्यूमन बीइंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, जो पैदा हुआ है उसे जीने का अधिकार। तुम्हें यह अधिकार किसने दिया कि तुम यह साबित कर सको तुम बेहतर? तुम्हें यह अधिकार किसने दिया कि तुम यह साबित करो ये कमतर था? तुम्हें यह किसने अधिकार दिया तुम इसकी जान ले सको? क्या समझते भगवान? यू आर गॉड राइटर? नो, यू आर अ मर्डर, बोथ ऑफ यू। तो अब आप क्या करेंगे? मैं कुछ नहीं करूंगा, ये सोसाइटी तुम्हारे साथ करेगी। मरो बहना, होशियारी मत करना। मारोगे? होशियारी मत करना। चलो अच्छा है ये सब खत्म हुआ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज हमारी 2.25 घंटे की प्रस्तुति देखी आप लोगों ने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं एक बार कास्ट का सबका मैं चाहूँगा आप लोग अपना अपना नाम बता दें। कमल पाराशर, सचिन खान, जोई दत्ता, विकास जोठे, अंकिता माहेश्वरी, अक्षित। एक बार मैं बैक से नाम लेना चाहूंगा, लाइट्स पर प्रियम थे, म्यूजिक पर अश्विनी, हमारे स्टेज मैनेजर आशीष ओझा, सेट आप देख रहे हैं ये देवेंद्र शर्मा जी, और हमारे साथ बैकस्टेज में थे आयुष राठौर, मयंक झा, अहं सोमन जी, आइए एक बार कहां।
आजा शर्मा नहीं, कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बहुत जल्दी आपसे इसी फरवरी के आखिरी में फिर से मुलाकात होती है एक नई प्रस्तुति के साथ, नए नाटक के साथ। और हमारे प्ले के डायरेक्टर प्रतीक शर्मा जी, ओ हमारे राइटर, ये पैट्रिक हैमिल्टन का लिखा नाटक है 1929 का। उसके बाद इंडिया में इसका कोई मंचन नहीं हुआ, इसका कोई ट्रांसलेशन कोई ऐसा किसी ने किया नहीं था, तो हमने एक नाट्य रूपांतरण बनाया है। एज इट इज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हमने एलिमेंट डाले हैं, कई चीज़ें हमने ली हैं। तो एक ये पहली बार रोप का मंचन यहाँ पे हो रहा है, और ये असल में एक असली कहानी पे आधारित है। दो लड़के थे, स्टूडेंट ही थे, जिन्होंने ऐसा सच में किया था, उसी पर पैट्रिक हैमिल्टन ने लिखा था। हालांकि इस बात को कई बार वो इनकार करते हैं। मैं चाहूँगा, हमने एक इसका एक ट्रेलर भी बनाया था। मैं चाहूँगा प्लीज़ शहीद बनू का जो स्टाफ है जिन्होंने हमारे साथ बहुत, प्लीज़ आप, मैं आप, मेरे को नाम बिल्कुल याद नहीं आएगा, प्लीज़ मैं चाहूँगा आप 2 मिनट प्लीज़ स्टेज पर आए। हमने कुछ नई कोशिश करी थी इसका, हमने एक ट्रेलर टाइप का भी बनाया था, तो उसके लिए मैं बुलाना चाहूँगा, अगर राहुल है यहाँ पे, राहुल मारवी हैं नहीं है यहाँ पे, साहिल है, साहिल हाँ ये है राहुल, आप बिल्कुल आइए। नमस्ते, मैंने अभी देखा नहीं, हमारे सर भी आए हुए हैं, आलोक चटर्जी सर, थोड़ा सा अभी कच्चा पक्का इस टाइप का है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ।